लाइव भी आ गया। आजकल तो यार इंट्रो इंट्रो कुछ नहीं रहता, सीधा मतलब मुंह दिखा देते हो अपना। हाँ पहले पहले करके आता था सब। सीधे सरप्राइज मुंह दिखाता नहीं हो। सरप्राइज मूड नहीं यार, मतलब ठीक है बोले यार, ये देखो मेरा मुंह, मेरा बढ़िया लग मूड रहा है। नहीं मतलब तुम ठीक कुछ कर रहे हो क्या फेस पे, चमकने है। लगे अबे हो भाई। पागल हो गया, ये देखो पूरा माथा, पूरे पिंपल पता नहीं कैसे अरे आ नहीं गए, वैसे नहीं, ये अरे सब पिंपल विंपल तो बाल आते रहती है। नहीं वैसे अच्छे बाल लग रहे से हो, थोड़े छुपा रहा ग्लोइंग लग हूँ। रहे हो। छुपाते क्यों, अरे जो है रखो, कोई सीन नहीं है भाई छुपाने से कुछ नहीं। तो अबे बहुत बहुत ज्यादा हो गए पिंपल सर पे। भाई ये मेरे को पता है किस कारण से होता है, तुम्हें पता है तो अरे नहीं वो भाई चीज वो क्विट सब करो। नहीं करता मैं, क्यों हो रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। नहाने गया मैं, नहा के आ गया भाई, नहा के आ गया मैं। हेलो यार, हेलो 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 देवाशीष, हेलो हेलो, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जितने भी लोग देख रहे हैं वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम वेलकम। आयुष कुमार हेलो हेलो, शिव एक्सप्लेस हेलो, हरमन सिंह वेट नहीं हो रहा हेलो शिव प्लेस हेलो, मोहित भाई पहले स्पॉन्सर आए थे वो भी मैसेज रिट्रैक्ट कर दिए। नीमो लेट यार, रोहित भाई थोड़ा थोड़ा सा मैं लेट हुआ था शायद यार, छोड़ो भाई। नीम का वाता बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। सैमियल यार कहाँ कहाँ गायब हो गया भाई सैमियल। मतलब फ्री थंबनेल बना बनाओ भाई बनाओ। अल्फा भाई आ रहे क्या, आएंगे शायद यार, मेरे को नहीं आइडिया। हेलो भाई जान, कैसे हो आप, फैमिली सब बढ़िया, हैप्पी दिवाली आपको और मस्ती जोन भाई जान को, और जट प्रभजोत के लिए दुआ करो एकदम। इमरान भाई तुम्हारे को हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं मस्ती जोन यूट्यूब। हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली। देखो यार मैं सही सच सच बता दूं, स्ट्रीम स्टार्ट होते ही एकदम सच। बताओ मैं जो खेलने का सोच के आया था वो, क्या मैं जो खेलने का सोच के आया था वो नहीं चल रहा। एक नंबर लाइव आ गया, क्या करूं। लेकिन यार लाइव तो आना ही था भाई, क्योंकि यार अभी बहुत बहुत छुट्टी हो गई भाई, मजे मजे तो थे भाई, ये महीना ही मस्त था, पूरी पूरे छुट्टी फेस्टिवल मंथ। हाँ छुट्टी हमें कल कल छुट्टी हुई थी, है मस्ती पागल। हमें देखो तुमको एक दिन की छुट्टी नहीं ली, तुम सुनो, डेली लाइफ। तुम्हार को हंसी आ रही होंगी, हंसी आने दो, बट मेरी पूरी 1 साल की छुट्टी हुई थी भाई। तुम 1 साल की छुट्टी, 1 साल की तुम छुट्टी लो, उसके बाद वापस आओ वो देखता हूँ। ऐसा सब क्यों, हेलो भाई देखो तुम्हारा एंटरटेनमेंट शुरू में ही करवा दिया भाई मैं, मस्ती ये है पागल आदमी। अच्छा 1 साल की छुट्टी लेके देखो भाई। आरपी प्लीज आयुष भाई, आरपी खेलेंगे तुम्हारे घोड़े। यार इधर किसी को मेरे को ऐसा लग रहा है मैं रोस्ट वोस्ट हो रहा हूँ यार आज, रोस्ट वोस्ट नहीं होना है मेरे को। हेलो हेलो, डू यू गेट दैट, हेलो ठीक है देख रहे यार, हो फिर, रोस्ट कर लो यार, सच्चाई मेरा है तो नाम नहीं है डालता यार। टाइटल में, मैं ही पागल हूँ जो निमरोड को कम्युनिटी देखो पोस्ट में टैग यार करता हूँ। किसमें किसमें कर दिए। हाँ मैं निमरोड को मेरे हर कम्युनिटी पोस्ट में टैग करता हूँ, जिसमें निमो की एक आवाज भी रहती है उसमें भी टैग कर देता हूँ। अगर मैं नहीं हुआ अब, रुको भाई, नहीं वो मैं डिलीट कर देता हूँ कम्युनिटी पोस्ट 24 घंटे के बाद। मस्ती जोन यूट्यूब, कम्युनिटी पोस्ट की बात हाँ करिए, कम्युनिटी पोस्ट ही देख लेते डिलीट कर देता हैं। हूँ, लेकिन मैं कम्युनिटी पोस्ट जोनाथन चौबीस। गेमिंग रेड, ये तो 3 दिन पहले का हैप्पी हाँ दिवाली तो वो था गांव में था ना वो, अरे नहीं ठीक है। जितने भी, मैं किंग डिलीट कोहली कर का देता हूँ, 4 दिन, इसमें भी मेरा नाम नहीं है। मैं डिलीट डायनेमो कर गेमिंग, देता, मस्ती जोन गेमिंग ठीक अरे है, मैं डिलीट कर सीजन देता सेवन हूँ। कॉन्करर, अच्छा जिसमें मेरा नाम है वही डिलीट करना है। नहीं सारे ही डिलीट कर देता हूँ मैं, इसमें सिर्फ तो काफी ये गायब 1 मंथ, है, ये गायब है ना बीच में, सारे मैं डिलीट कर देता हूँ। कम्युनिटी ज्यादा से पोस्ट ज्यादा वो करते होंगे प्राइवेट करते होंगे। नहीं, कम्युनिटी पोस्ट डिलीट ही होते हैं।
यार देखो भाई, कितने मेंबर के लिए कम्युनिटी पोस्ट है, हैप्पी बर्थडे डायनेमो, मेरा कहाँ है भाई कहाँ, उल्टा अच्छा है भाई तुम्हारा नाम वाम डालो में मेरे को ही व्यूज आ जाएंगे बट सही में देखो मेरा टाइटल ही अलग है मैं कुछ भी टाइटल आज डाल के आया था, क्यों मालूम है, मैं जब स्ट्रीम शेड्यूल करा ना वो पुराना ही टाइटल था मैं एकदम डर गया कि मैं कुछ भी डाल लोग दिया, मैं कुछ भी डाल दिया, मैं भूल गया यार आज टाइटल में चेंज करना ही भूल गया, माँ की हेलो मुकुल भाई नमस्ते हेलो। हाँ तो अब अरे यार महेंद्र भाई क्या क्या डाल दिए तुम, निमो तेरा नाम क्या है, शिवा भाई तुम्हारे को मेरा नाम नहीं मालूम, मेरे जैसे दिग्गज बड़े एंटरप्रेन्योर का नाम नहीं मालूम, मेरे कितने कंपनीज लिस्टेड है भाई, अमन वर्मा घोड़ा भाई, इतना इतना घोड़े जैसे कब हंसे थे तुम लास्ट खुद 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 की हालत देखकर बहुत हंसता हूँ मैं। पृथ्वी मुदिराज हेलो ब्रदर नमस्ते अरे वेलकम थैंक यू निमो सो तुम्हें एक मच फॉर स्टोरी बताऊं जॉइनिंग यार, मैं मेरी हेलो स्ट्रीम पे बताने आयुष वाला भाई। था अरे बट पता भाई नहीं बताया नहीं लीक बताया। भाई लीक बोलो बताऊं भाई बोलो भाई, भाई, देखो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ तुम्हें। ठीक मैं है कौन सी तारीख थी, दिवाली के जस्ट नेक्स्ट डे कौन सा दिन था, ट्यूसडे 25 तारीख ना, 25 तारीख ट्यूसडे हाँ ना, 25th। तो 25 तारीख को मैं जयपुर आ गया था। फिर 25 तारीख को ही मैं वापस चला गया था। तुम्हें बताया था ना कि कॉल वॉल आ हाँ गए थे और जयपुर बंद भी था, पूरा कुछ था नहीं इधर। तो क्या जब मैं वापस, अरे छुट्टी थी ना 3 4 दिन की, मार्केट की पूरी छुट्टी थी। तो तो सब अपने अपने गांव भाग गए, अरे तो जयपुर में मोस्टली जो जिनकी भी गांव शॉप्स है वाले ना, दूर दूर से हैं। ही है मोस्टली, ऐसा नहीं 40% और लोगों के, क्या लेकिन जो बोलते भी एंजॉय कर इस्टार रहे थे। भाई नमस्ते वेलकम, तो बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रीम जब पे, मैं जा थैंक रहा यू था ना, सो मेरे मच फॉर बाजू में एक ज्वाइनिंग। लड़की आके बैठी थी बस में, मैं बस रोडवेज में में, गया वो था। तुम बस में भी नहीं थे भाई, अरे तो गाड़ी, अब एक बंदा के लिए गाड़ी नहीं देते ना घर वाले अप डाउन के लिए। अरे मैं तो सोचा छोटी मोटी जगह भी फ्लाइट भाई 1.5 लाख हो गए चैनल पे माँ का, अभी अभी आर करो 6,000 रह गए हैं ₹145 के नहीं हो रहे यार मैं तो 1.5 लाख में ही अब गिनता हूँ भाई, मैं तो डेढ़ सुनो लाख तो में गिनता हूँ, मेरा into 3 बोलो बोलो तो अब छोड़ो यार, मैं क्या ही बताऊं। लड़की आके बैठी अरे लड़की बैठी थी, मैं ठीक उससे है पूरा, मैं शॉर्ट में बता रहा, लड़की आके बैठी थी, ठीक मुझे है लगा कि बहुत अच्छा होगा, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। एंड में हिम्मत किया तो उसने, बताऊं, एक बंदे को डीएम किया, 10K फुल नाइट फन, आई विल बी अवेलेबल इन 2 hours। अबे अपनी अब तुम्हें झूठ लग रही है ना, तुम्हें झूठ लग रही है ना, कसम खाओ माँ का जिसकी कसम खिला लो उसकी लगा दो। मैं पूरी अपनी स्टोरी तुम्हें बताऊं, अपनी कसम मैं मेरे को ये था कि मैं स्टोरी भूल जाऊंगा, तो मैंने मेरे कुछ खास दोस्तों को भी स्टोरी टाइप कर करके समझाई है, ताकि मैं भूल ना जाऊं ये स्टोरी का एक एक मूवमेंट। पूरा ऊपर इस पर मूवी बन सकती है, पता नहीं, ऊपर ऊपर मूवी, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या हुआ मेरे साथ। भाई क्या भाई मस्ती जी यार, पूरा मूड खराब कर दिए मेरा बट हुआ था देखो भाई मूड तो खराब। भाई सही में भाई, और अगर मेरे को अपन तो, ऐसा मेरे को दुख क्या हुआ, पब्लिक सुनो तो, दुख कब हुआ, जब मेरा स्टॉप आया ना, मेरे को तब पता चला, तो थोड़ी देर पहले पता चल रहा था। भाई ये हंसी से समझ जाओ भाई, तुम अब जितने भी लोग हैं देख रहे हैं ये हंसी से तो साथ में उतर छी भाई कितने गंदे हो सकते हैं छी, आज मेरे को समझ में आ गया भाई, भाई, ये सब फन के लिए बोल रहा हूँ भाई, फन वन सीरियसली नहीं मतलब है, यार मस्ती, इतना इतना स्टोरी रियल है, ट्रांसपेरेंट है गाइस तुम लोगों के सामने, नहीं इतना स्टोरी रियल ट्रांसपेरेंट है है, भाई स्टोरी अपने रियल है, लेकिन जो मैंने बाद में अंदर बोला तक ना की कि साथ भावना। उतारता, वो ऐसा था, अशोक बाकी वर्मा वो भाई स्टोरी है। हेलो वेलकम नमस्ते हाउ आर यू भाई, चिल विल बोल रहे हैं लोग चैट में अब बट देखो ऐसा साइड वाइड में लड़की बैठी, हम जैसे लौंडे खुश हो जाते पहले ही भाई, वैसे ही हमारे को दोस्त वोस्त मिलते नहीं, कॉलेज पता भाई नहीं लास्ट कब एकदम, गए थे मतलब मैं तो उसने मेरी बात कर रहा उसका हूँ, ये तो उसका कॉलेज बैग मैंने जाते रहते मेरी हैं लैप में होल्ड करा था भाई भाई, बैग इतना अंदर। इतना सब सोच के तो मस्ती सोचा एक पार्टी तो करने ही है साथ में भाई, हमारे साथ भी ऐसे होता मस्ती, हम पार्टी वार्टी करने जाते लड़की वड़की देखते अकेली है ये तो बात कर ही लेगी, नहीं, तब तक उतना भी पार्टी बुरा हुआ खत्म नहीं हो हम जाती भाई नमस्ते दिव्यानंद रेड्डी भाई, आपको भी नमस्ते एकदम प्रणाम, हाउ आर यू सर, अनिल सर आई एम गुड,
नहीं, मेरे हिसाब से मस्ती का मालूम दिमाग कब खराब हुआ, जब वो बोली 10 के मस्ती सजा यार, थोड़ी थोड़ी तो अफोर्ड। जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग। नहीं सही सोचे फक ब्रो, अरे छी भाई छी, तुम्हें पूरी तौबा स्टोरी बताओ ना, निमो तौबा। तुम पागल हो जाओगे अरे भाई, तुम नहीं, पागल। ये सबसे हम बहुत दूर है भाई। तुम्हें स्टोरी तो बताऊंगा। हाँ, नहीं अब स्टोरी सुनो, स्टोरी फिर भी स्टोरी ठीक में है, तुम्हें ना स्वाद आ गए ना, तुम बोलोगे कि भाई एक्सपीरियंस। तुम बना के लाए हो स्टोरी, लेकिन भाई ये रियलिटी होती है मेरे साथ ऐसी चीजें। क्या भाई किस्मत है तुम्हारी, हमारे बाजू तो कोई लड़की वड़की नहीं मिलती। चैट कुछ बताओ ना भाई रिएक्शन के लिए, अब इधर गेम तो चल रहे नहीं है, रिएक्शन स्ट्रीमर देखो लिख दो निम्रोड यार, तुम टाइटल में। रुको, पक्का अब और क्या रिएक्शन नहीं करेंगे, आपको लेट्स गेम पसंद नहीं रिएक्ट रहा। विथ मस्ती जोंगे गेमिंग। ठीक है अभी यार, देखो तुम्हारे फेस के अंदर मेरे को हंसी आती अभी तो तारीफ कर रहे थे, गोरा पीरा हो गया माँ की नहीं, यार। अरे वो तो तुम भी हंसते हो ना मेरे साथ गंदी अबे सुनो भाई, मैं अपने किसी से फीडबैक लिया, मैं ऐसा से। ऐसा नॉटी स्माइल देता हूँ, मेरी अलग ही इमेज बन जा रही भाई लोगों के अंदर। मैं क्या करूँ यार, मैं ऐसा दिखता हूँ पूरा पूरा ही एकदम ऐसा गंदी सी इमेज है मेरी लोगों के अंदर, समझ रहे हो? तुम भी उसमें ही हो भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ। सही हो आप। अरे नहीं हूँ भाई, गेम भी बताओ पूरी स्टोरी। अरे महेंद्र भाई को तुम्हारी पूरी स्टोरी सुननी है। क्या हाल निमरौड़ भैया, किंग भाई नमस्ते। मस्ती ने ये देखो भाई क्या लिख रहे हो, ये टीम लॉग देखो आज का। जरूर भाई, रिएक्ट ऑन इफ मस्ती हैड अ घोड़ा, ही हिमसेल्फ इज ब्रो। यार आज वो स्टोरी लगा दूं क्या, इंस्टाग्राम स्टोरी, आई एम लाइव गाइस बोल के? महेंद्र भाई मेरे फ्यूचर पार्टनर है, पता तुम्हें उसके काम मालूम के है, प्रॉपर वीडियोग्राफी, व्लॉगिंग, श्लॉगिंग, मस्ती की स्टोरी पर प्रॉपर रिएक्शन करो। अभी तो 1% है स्टोरी का गाइस, तुमको क्या एक लग परसेंट रहा है है ही यार, नहीं, कुछ है ही नहीं भाई, तुम्हें मजे आ तुमको क्या जाएंगे लग रहा है, देखो। छोटी मोटी स्टोरी थोड़ी होगी यार मस्ती की। और क्या हाल नीमो एडी ब्लॉग्स, नमस्ते, ऑल गुड ब्रदर। सोचो मस्ती की डांसिंग करता भाई, वो जीएलएस देखे तुम डांसिंग? कौन सी देखी होगी, अबे जीएलएस मेबैक पूरी, वो एक्स्ट्रा ऐसा गाड़ी जंप कराने के उसके 15 लाख है, और मस्ती आप सोच रहे हो 15 लाख की तवेली पूरी क्रेटा। मतलब डांसिंग क्या है इसमें, अबे जीएलएस नहीं देखे डांसिंग जीएलएस? नहीं देखा मैं। कोई अबे किसी ने मॉडिफाई करवाई है क्या कुछ? नहीं, वो कंपनी ही दे रही है फीचर अच्छा ऑफ रोडिंग के लिए। नहीं सही में, देख वो फीचर के 15 लाख अलग से है रहा हूँ यार। तुम वो नहीं देखते क्या यार, मुंबई कर निखिल, सबने किया इस पे। आई मैं, अरे इतना नहीं देखता मैं इनको, कभी कभी कोई ऐसा थंबनेल लग गया तो, अब मैं कम लाइक कर दिया हूँ भाई। लग्जरीज ब्रदर, इसलिए मैं भी देखा हूँ। जीएलएस मेबैक 400 एस ऐसा कुछ है, उसमें ही है सिर्फ ये फीचर, वो भी एकदम लेटेस्ट मॉडल, हाँ लेटेस्ट, देखा देखा मैंने, 4.5 करोड़। शायद या तो इसी की मैंने वो देखी खानदान होगी इसको, जाएंगे। शायद मैंने इसी का देखा रील होगा वील भी इसके। बहुत बने थे हाँ ब्रो, हाँ 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 वही रील्स इसी के साथ देखी थी मैंने, शायद देखी है, तो बट नाम इसका नहीं पता नॉलेज था। नहीं था तुमको कि ये फीचर है, ये ऐसा कुछ है। अरे मेरे को लगा वो मॉडिफाइड रहती है, कहाँ कूदती है ऐसी गाड़ियाँ। हाँ ये मॉडिफिकेशन ही है, बट शोरूम मॉडिफिकेशन। हाँ मतलब ओरिजिनल है ना ये काम, अच्छा एकदम ओरिजिनल है, बट कुछ लोग को पहले क्या लगता था कि जीएलएस ले लो तो वो आ ही रहा है, बट यार मर्सिडीज कोई भी लग्जरी आप उसमें चले जाओ, एक वो ऐसा नेकरेज देने के भी चार्ज करते हैं बहुत लाखों रुपए, जो यार लेने वाले ही लेते हैं वो तो। शौकीन लोगों की बात है भाई नहीं वो निमो। तो है ही, बट कोई चीज लग्जरी फील्ड में फ्री नहीं होती। अल्फा भाई से कैसे मिले भाई, एक इसकी तो एक बड़ी स्टोरी बन सकती भाई। हाईलाइट बनाऊंगा निमो बोल रहा है। हाईलाइट बनाऊंगा भाई, मैं तो इतने सोचता हूँ हाईलाइट बनाऊँ, मैं कहाँ गायब था 1 साल से। आर आर ही करूं वो मतलब अभी भी सो नहीं आ रहा, नहीं भाई कहाँ था, ये तो लेजिट है, आ रहा कहाँ थे, नहीं। अब
निमरोड गाइस देता था अपनी, इसके मोहल्ले में आते थे लोग। टाइम नहीं होता मस्ती के पास, रोज अकाउंट से 10,000 डेबिट डेबिट हो रहे आजकल। आयुष भाई एक पोज दे दो थंबनेल के लिए, यही है यार, फुल फुल फेस कैम का कुछ भी काट लो मेरा। ऐसा अच्छा था तो फंकी सा दो ना कुछ ऐसा। मेरा ये प्रोफाइल पे बनाओ, ये प्रोफाइल पे ज्यादा मेरी कोई वो नहीं है। नहीं रट दे भी रहे, मान लो चूतिया सा कुछ बना के दे देगा, मजे आ भाई जाएंगे। बोल भाई ऐसा नहीं का भाई, बोल बोल तो ऐसा भाई मैं लगाऊं नहीं मैच टीम पे, मां के साथ कौन सा बोला नहीं नहीं समझा, बोला नहीं समझा भाई। वो कट्टर ने दिया था जो योर सोल वाला वो हे ना भाई वो थंबनेल अगर मैं लगा, तुम वो लोग लगा, को वो लगा। दिखा भी दूसरा, मजे नहीं वो मजे थंबनेल दिखा होंगे देंगे, पागलों से। 100 लाइक कर दो अभी के अभी, वो थंबनेल तुम्हें स्वाद आ भाई जाएगा सौ कहीं। लाइक नहीं हुए अभी तक, 60 लोग कौन देख रहे स्ट्रीम। हेलो भाई देखो भाई, मस्ती जोन डाला तो देख रहे हो भाई। अबे तुम्हारा टैग नहीं हुआ बट हाँ हो गया हो गया। ब्रॉड अल्फा आएंगे यार, मैं मैसेज तो किया हूँ ब्रो, मेरे को नहीं रिप्लाई मिला, ये बेइज्जती मैं क्यों कर रहा हूँ अपने आप की। मैं तो इसलिए मैसेज ही नहीं किया कि नहीं वो अल्फा भाई के ओल्ड पबजी डेथ कंपाइलेशन देखो, देखेंगे यार मुकुल भाई इस पर रिएक्ट करेंगे क्या। एसटीआरपी व्हाइट लिस्ट हुए क्या नहीं आप दोनों भाई? देखो मेरा पूरा सिंपल ये एक ही चीज है, एसटीआरपी व्हाइट लिस्ट होंगे भाई। स्टोरी वोरी फॉर्म में भर दिया, मैं नहीं बोलना चाहता था बट फॉर्म में भर दिया, क्या बता रिजेक्ट हो जाए। और नीमो भाई मैं क्या था भाई, नमस्ते वेलकम हाउ आर यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये पीछे इतनी ब्यूटीफुल वॉइस किसकी है भाई, देख रहे हो जोरेक्स भाई, ये जोरेक्स वोरेक्स तो इतनी बेइज्जती कर रहे थे मेरी तुम्हारी चैट में भाई। मैं अभी मस्ती का चैट पे गया था, मस्ती स्ट्रीम करते हैं ना 6-4 कितने बजे से, 4 से ना, 4 नहीं 5 या 6 या 5 4 चलो 4। वह लिखा यार मेरे को यार उसपे मस्ती के स्पॉन्सर और जो भी स्ट्रीम देख रहे थे लिख रहे हैं यार नाम सुना सुना सा है निमरॉड, आप भी स्ट्रीम करते थे क्या पहले माँ की आग। मैं बोला छी थू है मेरे पे। नीमो माइनक्राफ्ट खेलो यार, माइनक्राफ्ट खेलूंगा यार बट एकदम ना मेरे दिल में माइनक्राफ्ट के लिए क्या है। मैं ऐसा ओपनली बोल माइनक्राफ्ट के नाम दूँ से टीपा भैया का नाम याद आता है मेरे अबे को हाँ भैया तो। टीफा। माइनक्राफ्ट बोलते टीपा भैया की एक स्माइलिंग फोटो भाई आती है मेरे सुनो अंदर। सुनो एक एक ऐसा लीक देता हूँ। 2-2.5-3 साल पहले ना जब पहली पबजी बैन हुई थी आई गेस, या फिर पबजी बैन भी नहीं हुई थी तब, ऐसा अल्फा भाई के दिमाग में ऐसा आया था माइनक्राफ्ट खेलते, तब तो हम एमुलेटर साथ में खेलते थे। वो बोले यार कभी एक एक स्ट्रीम ना माइनक्राफ्ट की भी करेंगे, वो तू ऐसा डाउनलोड वाउनलोड ऐसा खरीद के रख। मैं बोला ठीक है यार कर खरीद लेंगे, कैसा क्या तो है माइनक्राफ्ट, वैसे ही ऐसी बच्चों की गेम है। अब मैं गया खरीदने, माइनक्राफ्ट पूरे 2,000 रुपए की गेम है माँ की आंख। बच्चे खरीदते भी हैं खरीदने वाले। नहीं हाँ नहीं बच्चों के लिए फ्री में रहती, जो फोन वोन का सीन है ना फोन में फ्री रहती, और पीसी में भी फ्री रहती बट मेरे को उस पीसी में टाइम नहीं जुगाड़ आइडिया से। था। हाँ जुगाड़ से फ्री हो जाती बट उस टाइम मेरे को नहीं आइडिया था, उस टाइम लेना था अर्जेंट बेसिस पे। पूरे 2,000 की माइनक्राफ्ट मेरे इधर आज तक दुखती है इधर दिल पे, और पूरी 2,000 माइनक्राफ्ट में डाल के सोचो कितने स्ट्रीम करे होंगे माइनक्राफ्ट। जीरो एक अल्फा भाई पूरी एक स्ट्रीम करे माइनक्राफ्ट की, मजा ही आ गया भाई। ऋषभ का चैनल में आ गया गलती से, अरे ऋषभ मैं ऋषभ जैसा दिखता हूँ क्या? एकदम पतला सा तो हूँ भाई मैं, तुम समझे नहीं। मस्ती के लिए बोल रहे हैं पता है। नहीं, तुम अभी भी नहीं समझे, वो सेवेज है भाई। वैसे ही बैठ के बतियाते रहते हैं क्या आजकल ऋषभ? वो टाइटल देख लिया ना तुम्हारा, ऋषभ अभी स्ट्रीम इंटर में रिएक्शन ही देते हैं। माइनक्राफ्ट में घर जाएगा भाई, 2,000 रुपए में बहुत सारी गेम खरीदा भाई। देखो मैं अगर मेरी स्टीम अकाउंट दिखाऊं मेरे पास इतनी सारी पेड गेम्स है, ये बहुत सारी पेड गेम्स है बट
इतना रिग्रेट मेरे को किसी पे नहीं हुआ जितना माइनक्राफ्ट के 2,000 रुपए पे आज तक टिल डेट। और प्लस जो गेम फ्री में भी खेली जा सकती थी। ना व्लॉग देखते हैं ना केटीन का क्या है बोल रहे। चलो केटीन का ब्लॉग देखते हैं क्या पहले मामा का देखते हैं ना, उसका गाड़ी वाड़ी ली है भाई। कार व्लॉग आर लव व्लॉग्स, इसलिए मैं बोला। कार व्लॉग्स आर लव ब्रदर। मांबा गेमिंग, आलू ले लो, कांदा ले लो। वह कार अपडेट है। अच्छा, बॉट माय फर्स्ट कार 1 आवर अगो, गो लाइव। स्क्रीन शेयर करो, एक सेकंड। मामा पे भाई पैसा है भाई। वो तो ऐसे ही इतने महंगे महंगे घड़ी, जूते, चश्मे, माँ की आँख। क्या बोल रहे हो? भाई इतनी महंगी वार्डरोब, इतना जिसका महंगा हो सकता है उसका कुछ भी हो सकता है फिर। बट होना भी चाहिए यार, पैसा ऐसा बैंक वैंक में रख के कुछ फायदा नहीं है। मतलब हाँ, इन्वेस्ट करो जगह पे, बट ऐसी तुमने ऐसी प्ले चीजें किया है? नहीं मेरे को दिख करना। रहा नहीं है। हाँ नहीं, नहीं किया अभी प्ले। तो प्ले कर दो सो चुपचाप। गाइस, फाइनली द डे हैज अराइव्ड एंड भाई कितना अच्छा दिखता हूँ मैं ना, ऐसा गाड़ी का आवाज कम डिलीवरी कर डे दो थोड़ा, है। आवाज क्या कम कर दो थोड़ी सी बस। डिलीवरी डेट पर तुमको क्या फीलिंग आई थी? मस्ती आज गाड़ी का मेरे को दे डिलीवरी दो, डेट, मिलेगी नहीं मिलेगी चलाने, बस यही सोच रहा ये आदमी ही पागल है। ऐसा मजा आ जाता है भाई गाड़ी मजा आता है, डिलीवरी फील डे। आता है भाई, अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता बे है अंदर। हाय निमरॉड और लिप बाइट वाले इमोजी डाल रहे हैं भाई। प्रणव भाई, मैं लड़का हूं और मेरे को लड़कियां पसंद है वो लड़की ही है। अरे भाई। ये स्ट्राइक से मेरे को डर लगता है। देखो हाईलाइट वाला कब क्या डाल रहा है चैट में। मत देखना, मम्मा का स्ट्राइक दे देगा। नहीं, मामा नहीं देता स्ट्राइक, इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो तो है भाई। हेलो नीमो ब्रो, हेलो हाइड्रा गेमिंग बहुत दिन हाइलाइट्स। हो गए, चलो भाई, बहुत साल हो गए यूट्यूब पे काम करते करते। एंड यू नो वैसे तो कि द कार ऑफ माय ड्रीम्स जो मैं ऑल चाहता था, बट आई थिंक नाउ इज नॉट द टाइम। एंड जब स्टेबल हो जाएंगे एंड पूरा तरीके से सेटल हो जाएंगे देन हम उसकी तरफ वैसे बढ़ेंगे। सैड म्यूजिक बट डालिए कार खरीदने वाले व्लॉग इट्स में। इंटेंस इंटेंस बनाएगा, अब देखना इमोशनल करके खुश कर देगा, ऐसा कुछ होगा। ऐसी खरीदने वाले व्लॉग में सैड म्यूजिक। मैं चाहता था अपने लिए कुछ लूँ, कपड़ा एंड ये सारी शॉपिंग तो ये तो जनरल चीज़ होती है, बट चाहता था कि अपने आप को कुछ गिफ्ट करूँ ऐसा जो कॉन्क्रीट हो। एंड आई डोंट नो, मैं एक्साइटेड तो हूँ बट इतना ज़्यादा कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ। जब शायद गाड़ी हैंड ओवर होगी तब तब शायद ऐसा फील हो जो असली फीलिंग होनी चाहिए। घर वाले साथ में जा रहे हैं, मुझे उनको देखना है कि वो कैसा फील करते हैं, उनसे पूछूंगा मैं। लेट्स सी, अभी हम लोग निकल रहे हैं, एवरीबॉडी इज हियर, दोस्त घर वाले सब लोग रेडी हैं, तो निकलते हैं एंड चलते हैं सीधे गाड़ी लेने के लिए। आ रही है ना फील, आ रही है ना तो भाई भाई मेरे ऐसा को है तो कि हम व्लॉग लोग देख के ही आ अभी जा रही भाई। मामा की गाड़ी के लेने जा रहे हैं। अब गाड़ी मैंने तो नहीं देखी है भाई, बस मामा ने मुझे ये बताया कि भाई हम गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो कैसा भाई, लग कैसा रहा तुम्हें भी ये बताओ? कुछ लग ही नहीं रहा है नहीं नहीं यार, नहीं वो समझ में नहीं, नहीं आ रहा है कि अरे सही गाड़ी खरीदने में थोड़ी, अभी इस गाड़ी में बैठे कैसा लग रहा है? स्कैम ही गया भाई। अरे बहुत बढ़िया। बट मस्ती, फाइनली आई मैनेज टू परचेज अनदर बैटरी। लेकिन अब चलने लग गया 4 घंटे। हाँ अभी मैं जान के चार्ज नहीं करता मालूम है, पूरी जो चार्ज बैटरी है वो गिर गई, टूट गई भाई। क्या हो रहा है तुम्हारी चैट में? अभी मैं जान के चार्ज नहीं करता। अबे ये कैसे मैं हाइड करूं यार नाइट बॉट वगैरह से? नहीं सब्सक्राइबर ओनली कर दो ना। वैसे फिर पहले ही चार चैट आ रही है, वो भी नहीं आई। टेंशन ही टेंशन। बैटरी से ऐसा हॉटनेस पे तो फर्क नहीं आया ना। मतलब ऐसे कह रहे हो, स्विफ्ट में कभी बैठा नहीं हूं मैं। अच्छा वो गाड़ी बड़ी है क्या? भाई ये ओ चश्मे ही हाँ, 1-1 लाख के हैं मालूम है। कितनी बड़ी मस्ती है, मतलब लूई उसमें में रह कौन सकता है रहा? इंसान? मेरे को अच्छे लगते हैं ऐसे छोटे चश्मे ज्यादा, सीटें निकलवा मतलब दूंगा, टाइम फनी सिंगल सिंगल पुराने पुराने वाले वाले अच्छे बता लगते हैं। देना। बादशाह पैसा क्या देगा? बादशाह सही नहीं, पहनता तो है मतलब कि एक तरीके से छोटा फ्लैट फनी ले रहे सिंगल हो तुम पुराने ना, चश्मे अच्छे लगते हैं मेरे को। फ्लैट ऑन व्हील्स? गाड़ी भाई साइड पे वो लगवा के बहुत निकलवा पचास दूंगा रुपए गाड़ी के। से। नहीं नहीं यार, फिर मैं स्क्रैच कैसे मारूंगा उसमें? अच्छा
क्या हेटर मत बन जाना, मैं बता दे रहा हूँ अभी से कि जो है वो ये सब मत करना। नहीं नहीं, अब जैसे मैं अपनी जब शादी करूंगा हाँ। तो भाई मैं अपनी बारात तो तुम्हारी ठीक है, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उसको बाद में देखेंगे। तो मैं अब जब अपनी शादी करूंगा तो बारात तो तुम्हारी गाड़ी में लेके जाऊंगा ना इसमें। नहीं, अरे क्यों नहीं, मैं दूंगा ही नहीं भाई। मैं पहली बात तो वो बड़ी गाड़ी, दूसरी बात वो मेरी गाड़ी, तो तुम ये पहले बात तुम्हें तो, पता है ना, पहले तो तुम ये बात पहले तो तुम्हें उसका भाड़ा उठा पाओगे? भाड़ा क्यों होगा यार, देखो ये बात तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी गाड़ी हो, मैरिज हॉल जाएंगे। तो अगर देखा जाए जब YouTube करियर तुमने स्टार्ट किया था, मामा खुश है काफी? अबे नहीं, स्टार्टिंग में तो नहीं लगा मेरे को, मेरी ड्रीम। अरे तो भाई तो ऐसे स्टार्टिंग में तो आ रहा है, वो दुखी दिखाना पड़ता है ना, फिर उसके बाद खुश होते हैं सब। नहीं बे, बट देखो ये क्यों दुखी है, मैं बोलूं इसको एस क्लास लेना था, बट ये कुछ और लिया शायद, तो मेरे को लग रहा है बैक ऑफ द माइंड होगा ना कि कभी ना कभी गाड़ी लेनी है। हां तो अरे तो पैसे तो इसके ही है, तो मतलब यही थी वो या फिर कोई और थी? और उसकी वैल्यू तो खत्म ही हो जाएगी बिल्कुल, अब वो तो खत्म ही है, खड़ी है वो बेचारी, खड़ी हुई है बेचारी वो। कौन सी बाइक है, चल रहे हैं गाइस एंड देखते हैं। मुझे तो पापा मम्मी की बातें सुननी है, टेक्निकल बातें करते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी नहीं नहीं चाहिए नहीं है ये वो, या फिर जो है थोड़ा देखते हैं, वो पहुंचने वाले कुछ देर में, एंड देन फिर गाड़ी उठाते हैं। मॉरिस ग्रांज अबे हेक्टर की गाड़ी, हेक्टर में स्ट्रेंथ नहीं है जो आप लगा सकते हैं, जैसे कि हेड लैंप प्रो, बैक साइड में आपके टेल लैंप प्रो, ठीक है, दो रेंज गार्ड हो गए नॉर्मली यहां लगते हैं, तो वो सारी ये शोरूम में भाई चेक में बहुत पिट वो चलता रहता है वो। अरे एक और ले चीनी कम थी एक मैट के बाद आपके एयर मोर कैप, जैसे बेसिकली ये एमजी के लगे होते हैं, ठीक है, ये अगर आप लेंगे, तो इस तरीके से आते हैं, ये हर चीज में ग्लॉस्टर नहीं है ब्रो, ये ग्लॉस्टर तो बहुत ही यूज है, बहुत ज्यादा चेक कर रहा होगा क्या पता, हो सकता है। अबे बट वो इसके गाड़ी पे फिटिंग जो किया वो सब समझा रहा था अभी वो सेल्समैन। बाहर आ जाओ जरा, जीपे कर दो 10,000 जो तुम लेते हो ना। क्या क्या बड़ी गाड़ी लेने के आगे चलो हटो हटो बाद में, 10,000 जीपे बाद में, हां बाद में आ बेटा, अरे बाद में ये जा खरीदने वाला ही वो है, ठीक है। गाड़ी के किसी कागज में एक जगह शावेज लिखा हो मुझे बता देना, एक जगह असल भाई पेन देना मेरा। यार लिख के जाऊंगा सारे मैट। हां बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी लग रही है। एंड आई लाइक ब्लैक कार्स, काफी बड़ी गाड़ी, काफी बड़ी गाड़ी। वो पहले ही बोल के आया था अभी घर वाले बोले, लाइक एंड एक और पिद्दी ले लेता, दिल से भर गया। उसके पापा प्रिंसिपल है पता है, कुछ तो है अभी प्रोफेसर वगैरह, पापा को सेटिस्फेक्शन है नहीं है। हेलो डॉलाइट,
मेनी कांग्रेचुलेशंस सलमान, अब अपने टीचर मोड में कार टीचर जोन में। कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह में अच्छा प्रोफेसर लेवल पे है भाई? कौन सी? i10 Hyundai। Hyundai तो इट इज बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड सक्सेस इन हिज प्रेजेंट लाइफ दैट ही हैज बीन एबल टू परचेज दिस वेरी कॉस्टली कार फ्रॉम हिज ओन फंड्स। आई डिड नॉट पे एनीथिंग टू हिम, सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर purchasing such a good car. ऐसा स्पीच वीच नहीं देते एकदम प्रिंसिपल्स फाइनल ईयर वालों को। यस अर्लियर ही वांटेड टू परचेज ब्लैक बट आई सेड नो। इंग्लिश का एक्सेंट देख लो ना, पुराने जमाने वाले इंग्लिश ऐसे होते थे। इट मेक अ डिफरेंट कलर सो नाउ इट इज। उसके पापा है अच्छे खासे 50 60 साल के। मेरे को भी यार, मेरे को भी ब्लैक ही पसंद थी, ये ब्लैक लेने वाला था बट उसके डैड ने मना किया। ठीक है, ब्लैक ही सही है। डार्क ग्रे सो दैट इज अ गुड कलर। इट इज नॉट ब्लैक, it is not very light so uske papa ka bhi kehna sahi hai pata nahi ha black sab apne ko paas rehti hai main batau white aur black color ye india mein to sabse zyada chalta hai sabse zyada aur black mein kya hai ki agar koi scratch maar gaya to dikhega aur white mein se to grey thoda mix hai chalo aur grey ka ek ek khaas baat kya hai ki jo shine hai na bro aap apne aap ko dekh sakte ho black ha wo bhi hai lekin grey mein ek fayda hai dhoop mein alag dikhti hai raat mein alag dikhti hai ye grey ka fayda hai। ग्लॉस्टर नहीं है यार मेरे हिसाब से, देखो यार हेक्टर है। देखते हैं ना भाई कौन सी है। भाई ये ब्रांड लिखा रहता है ना वही स्वाद आ जाता है। बट मैं मॉरिस ग्रांज का तुमको एवरेज बताऊं तुम सर पकड़ लोगे। तो मैं बहुत ज्यादा है बता दो। वोल्वो का तो 45-50 का आ जाता है मैंने सुना। किसका? वोल्वो गाड़ी नहीं, पागल हो गए क्या? मजाक से के वोल्वो का बताओ कौन बता बता बोल दिया तुमको? मैं दिखाता हूँ। हेक्टर है ब्रो, ग्लॉस्टर कौन बोल रहा था? हेक्टर है ये, ग्लॉस्टर बहुत यूज है भाई, ऐसा हाथी हाथी मिनट रखो। सोम जो भी है अपनी है, ये हैप्पी नहीं है ब्रो, ये हैप्पी नहीं है। छत्तीस का है लेगा, 36 का एवरेज है। वही 50 एक्टिवा का नहीं आता भाई। अच्छा मैंने बताया था कि आप लोगों को 40 तक का एवरेज आता है भाई वोल्वो में। तो नहीं हुआ है, दिवाली बाद होगा, लेकिन नंबर मैं अभी बता ही दे रहा हूँ, दिखा तब देंगे। नंबर मैंने लिया है 13 13, बाकी का नहीं बताऊंगा। लास्ट के जो चार डिजिट होते हैं तो टेम्परेरी नंबर है, लास्ट के चार डिजिट मैंने 13 13 लिए हैं। टू ऑल द 13 lakh ऑफ यू, ये आप लोगों की वजह से है तो इसलिए मैंने आप लोगों को डेडिकेट करने के लिए 13 13 नंबर स्पेशली मैंने लिया है। एंड चाह तो यही रहा था कि अभी निकालते वक्त ये आ जाता नंबर, बट कुछ नॉर्म्स हैं कि जो साइन होने के कुछ दिन बाद आरटीओ इशू करता है। तो नंबर 13 13 है टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच, इतना प्यार दिया 3 साल में कि ये अभी पॉसिबल हो पाया। आगे ऐसे प्यार होता रहेगा तो और भी कुछ पॉसिबल हो जाएगा। सो मिलते हैं गाइस, दिस वाज इट, बहुत दिल था अपना एंड किसी ना किसी तरीके से हो पाया जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू ऑल। अब कार व्लॉग्स प्यार देते रहना एंड हम लोग ऐसे ही दोबारा मचाते रहेंगे। गाइस आप लोगों ने जो इस वीडियो में एक ट्रैक सुना था दैट वाज हेडलाइट्स बाय एलन वॉकर आलोक एंड किडो, बहुत अमेजिंग ट्रैक है भाई। मैं गाड़ी लेके होटल में आ गए, आई कैन नॉट गेट इट ऑफ माय माइंड, परफेक्ट गेमिंग ट्रैक्स है। आप लोग अपने हाईलाइट समझ रहे हैं, इसमें भी प्रमोशन नहीं हो। थैंक यू सो मच फॉर एलन वॉकर, थैंक यू भाई, साथ में कोई दिक्कत ही नहीं है। अमेजिंग ट्रैक इन माय, थैंक यू भाई इंटरनेशनल मैनेजर। सो 100 लोग जितने भी लोग आ देख रहे सब एक एक लाइक करो गाइस, सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, वापस 60,000 करेंगे अपन। वीडियो के कमेंट्स देखो, देखो यार मॉर्टल प्राउड, वी आर ऑल सो प्राउड एंड हाउ फार। तुम भी प्राउड लिख के आओ नेमो, तुम भी कमेंट करो गाइस, लाइक करके आना नेमो, कमेंट में जाओ नेमो लिखो आई एम आल्सो प्राउड। ढूंढेंगे कहां से प्राउड, तो ऐसा लिख रहा हूं जैसा मेरा ही कोई है ये। तो भाई उन 13 लाख में का अपन भी तो है भाई नेमो, अपनी भी है भाई। कांग्रेचुलेशंस भाई, उन उस 13 लाख में अपन भी है नेमो, ऐसे कैसे, हमारा भी हक है भाई गाड़ी पे, हम भी चलाएंगे, प्राउड लिखेंगे। कॉल कर, कॉल करो मामा को, कॉल करो कि हमारे चलाने, बोल दो कर दूं क्या कॉल। रुको यार मामा, छोड़ो 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 यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम रोक रहे हो इसलिए रुक गया। वो खुद ही, तो वो खुद ही कर देगा, बुला लेता भाई, आओ यार तुम्हारी गाड़ी है, हैदराबाद लेके जाओ, मनाली लेके जाओ, यार एक ही बात है यार, गाड़ी को डांसिंग कार बना दो, बना दो भाई, रिटर्न GLS ला लो,
मामा को यार लिख तो सकते मैसेज कर छोड़ो देते हैं छोड़ो यार मैसेज, मैं पर नहीं अभी अरे जब अपना सीरियस ट्रिप का मन होगा जब फोन करेंगे मामा हाँ मामा ऐसा को। जबरदस्ती नहीं करते अपन। अभी यार अगर वो बोल दिया ले जाओ फिर हम ट्रिप नहीं जा सकते तो वेस्ट हो गया, एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अभी हम देख रहे थे K18। अच्छा हाँ मॉरिस गैराज के मैं एवरेज पे आऊँ अगर 6 का एवरेज है हो गई। इधर से लीक क्रेटा में 10-11 का देता है तो मेरा जी दुख पा जाता है हाँ पेट्रोल में। मैं वही तो बोला अगर तुम इसका एवरेज सुनोगे सर पकड़ लोगे भाई, 6 का एवरेज मतलब गाइस मान अरे तो लो उनपे पैसा बहुत है भाई मामा एक पे सौ दे। बीस रुपए में 6 किलोमीटर, और एक बार गाड़ी निकले तुम 30 किलोमीटर के नीचे घूम ही नहीं सकते। अभी कैलकुलेट कर लो 30 किलोमीटर यार सही है ना मस्ती, एक बार निकलती है 30 किलोमीटर तो सही है नहीं? अरे भाई लेकिन बताऊं क्या नेमो, शौक बड़ी चीज है देखो। अब वो उसने तो बड़ी है गाड़ी भाई ली वो तो है, है। अब मेरे को तो भाई देखो अब हम हाईवे पे चलाते हैं ना गाड़ी को तो 14-15 के एवरेज दे देती है गाड़ी, तो इतना दुख नहीं लगता और वो वर्थ इट भी रहता है। हाईवे पे तभी निकलती है जब अबे फैमिली होती है, वैसे तो मेरे कोई काम दोस्त रहता के नहीं है पास सेल्टॉस है, सेल्टॉस देती है 25 की एवरेज भाई। सेल्टॉस डीजल में। स्वाद डीजल गाड़ी में है स्वाद। हाँ डीजल डीजल में ना हाँ वही। अरे हमारी पेट्रोल की डीजल की तो हमारी भी अच्छा एवरेज देती है, और बट डीजल की यार साउंड बहुत करती है साली, और मेरे को नहीं जमती नहीं, इतनी बट गंदी यार गाड़ी। मेरी पर्सनल फेवरेट सेल्टॉस ही है फॉर नाउ। वो तो मेरा दोस्त तो दे भी देता है कभी लग्जरी कार कोई। में एक दो का ही होता है। अरे नहीं 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 मुकुल मुकुल बे, अच्छा भाई, होता है बल्कि मुकुल भाई बहुत देखो बढ़िया होता है। स्पोर्ट्स कार में एक दो का होता है, सही बोल रहे हो, जिसमें यार जो लग्जरी साउंड बोला ना वाउंड ज्यादा नहीं उसने, आती, अब नॉट उसने ऑल लग्जरी लग्जरीज बोला। बट स्पोर्ट्स टाइप में एक दो का स्पोर्ट्स होता का है, तो कम ही रहेगा, स्पोर्ट्स जिसका का तो कम ही एग्जॉस्ट एकदम रहेगा। नहीं चिल्लाता, 4 गली की बात तक भी सुने में आएगी कि कोई कार जा रही है। तो उस भाई जो बंदा है ना मॉडिफाई करवा रहा गाड़ी, उसको पेट्रोल से कुछ लेना देना है उसको मॉडिफाई जिंदगी में। हाँ मॉडिफिकेशन सब शोरूम के भी मान लो, हाँ वो भी है, उनको पेट्रोल बताओ। से फर्क नहीं पड़ता, बट है वो एक दो की भी माइलेज वाली गाड़ियां हैं जो जो लाउड जितना जितनी जोर से आवाज है उतना वो बट प्लीजिंग रहती है ब्रो, आवाज प्लीजिंग आवाज रहती। सबसे सही ऑल्टो या नैनो, सेफ छोटी टिकाऊ या घोड़ा अरे सीएनजी वाला लो, सीएनजी वाली गाड़ियां अलग ही होती है यार, वो दो दो किलो सीएनजी भरवाते हैं उसमें, वो भी लाइन लाइन में ठहर के। सुनो तो हमारे पास पहले ओमनी कार थी, गुंडा गाड़ी वैन, एक सही ठीक है। सुनो बताओ तो बात है, उसमें मैं कार सिलेंडर चलाना ओमली बनवाते में ही थे सीखा हूँ नहीं भाई ओमनी भाई, उसका भाई बताऊं क्या, मेरे को बाद में पता चला जब ओमनी चलाते थे ना उसमें क्लच के साथ रेस देनी पड़ती थी एक्सलेटर। मुझे बाद में जब एक अच्छी गाड़ी चलाई थी मैंने, क्रेटा ही चलाई थी बहुत पहले, तब पता चला कि भाई बस क्लच छोड़ दो गाड़ी चलती है पहले गियर में, हमारी में तो पूरा एक्सलेटर वरना दबा दो। तो ऑफ ही हो जाते हैं पुराने गाड़ियां, हाँ जो भाई एकदम घस गई ना वो खत्म हो जाती भाई, है लेकिन यार। हम उसमें एलपीजी भर के चलाते थे, मजा अबे सस्ते में मैं चलाते दिल्ली थे हम गया तो। था लास्ट ईयर, दिल्ली में वो टैक्सी वाले यार हर हर स्टॉप पे रोक के बोलते 1 किलो यार भरवा लेते, 2 किलो भरवा लेते, माँ की यहाँ किलो किलो में गैस भरवाते थे। लंबा चलती है तो भाई वो। निसान मैग्नाइट कार देखो कैसी है यार, ये मेरे हिसाब से तो स्पोर्ट्स टाइप ही है, बट जितने भी स्पोर्ट्स टाइप है ना मस्ती, वो एकदम मेरी मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स टाइप है, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, नॉट अ एसयूवी गाइस। निशान की कौन सी बोला इसने, मैग्नाइट शायद देखी होगी मैंने। GTR देखो यार, GTR लव मस्टैंग भाई, मस्टैंग भी देती होगी 5 5 माइलेज, इतना ही है मस्टैंग का भी, 5 के भी चलो चलो, बहुत अरे ज्यादा है व्लॉग पांच देखो भी। भाई, व्लॉग देखो भाई। अब हम आ गए K18 के व्लॉग पे, आर माई डेटिंग के, यही यही है क्या चैट, पहले पूछ लो भाई, यही है पता चला है अपन क्या को चोरी देखने देख गए वाला? और उस पर रिएक्शन भी दे दिया तुमने। रिमोट वाली कार लो भाई, रिमोट वाली ही लेंगे अब, मेरे पास पड़ी है नहीं, मैं रिमोट वाली मैंने मंगवाई थी पता पापा से, मेरे को बहुत पसंद सेल है रिमोट बस की कार। बहुत प्यारी गाड़ी है इसमें सेल नहीं डाल पा रहा, लेकिन मैं बताओ मन करता है, लेकिन मैं इसको शोपीस के लिए रखूंगा। नहीं है नहीं, अबे न्यू वन, न्यू वन ये नहीं निमो, नहीं भाई, मैं नया वाला देखो, इससे नया और क्या है, ये भी तो अभी का ही है, 22 तारीख अबे ये का 3 घंटे पहले का देखने बोल रहे हैं। भाई, इतनी जल्दी। He's a vlogger, guys. अरे मतलब अभी डाल दिया वांटेड टू मैं शो द सब, फ्रेंडशिप साइड वाला लिखा ऐसे हुआ है। नहीं ऐसे नहीं देख कभी भी बोल ऐसे मत बोलो, यार, यही होता है एग्जैक्टली। उसको तगड़ा ही लगा था, इसमें मजा आएगा। Let's see.
आवाज भाई बहुत तेज आ रही है। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो वी आर स्टार्टिंग ऑन व्लॉग हियर विद द सेम एनर्जी एंड द सेम इंटेंसिटी। कैमरा हाथ में आ गया तब मजा है। एक सोलर इक्लिप्स आ गया था बीच में और हमारा न्यू ईयर आज। सो जितने भी कुछ व्यूज देख रहे हैं वाला व्लॉग, हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरीवन। बाकी आज मैं और के आए थे जस्ट फॉर डिनर रोजिएट हाउस पे। हम लोगों ने अपनी जो टेबल रिजर्वेशन करी थी बिकॉज हम लोग दिवाली में मिल ही नहीं पाए यार। हाउ सैड, वी डिडंट मीट। हमारे घर ना बहुत सारे मिठाइयों का एक डब्बा आया था, मैंने सबका थोड़ा-थोड़ा टेस्ट करा, फिर जो अच्छी लगी वो पूरी खा ली। व्हिच वन इज योर फेवरेट वन? द पिंक वन, व्हिच आई डोंट नो द नेम ऑफ। बर्फी होगी ना वो पिंक वाली? मलाई वाला, मलाई नहीं रसमलाई। मलाई देखो हमारा सिंपल है, मिल्क को यार मिठाई मिठाई पसंद। समझ गया, वो सैंडविच टाइप का होगा और बीच में वो लेयर होगी। आपके तो फेवरेट चेंज होते रहते हैं शायद डिजर्ट में, कभी गुलाब जामुन को दोस्त बना लेते, कभी रसगुल्ला। तो अभी ये जा रही है बुकिंग कराने के लिए। हमारी बुकिंग मतलब कंफर्मेशन जो भी था हम लोगों ने रिजर्व कराया था, सो वी नीड टू गेट इट कंफर्म। बाकी आई वांट टू कन्फेस वन थिंग, यस मी एंड के वी बोथ आर डेटिंग। आप लोग कमेंट में जितनी भी चीजें लिखते हैं, यस दैट वाज ट्रू। हम लोग अब नहीं कर सकते यार वो प्रिटेंड वाला काम, क्योंकि हम लोग भी समवेयर और द अदर, बिकॉज मैं भी क्यों एज अ फ्रेंड उसको एज अ प्रिटेंड करके व्लॉग में उसको रिस्पॉन्स करूँ या जो भी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जो रियल है वो दिखे अब। एंड बाकी अभी हम लोग बात करेंगे क्योंकि मैंने के को अभी बताया नहीं है कि मैं ये वाले व्लॉग में ये चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। सो अभी उसका रिएक्शन देखिए। अभी हो गए यार ये चीज कन्फेस करना बहुत ऐसे बड़ी बात है। अरे स्टोर वाइटी की माँ का भोसड़ा, इसको हटाओ मादरचोद, इसको हट दो बहन की चोद इसकी। हो गया लौड़े का बाल मादरचोद, जिधर देखो उधर गाली बकता रहता है इसका माँ का चूत। हट दो बहन के लौड़े को, कर दिया कर दिया। चलो चलो, अरे यार कितना मस्त माहौल है इनका देखो। अबे बट कितनी मुश्किल चीज है ब्रो ये, भाई गांड फट जाती है इधर। एग्जैक्टली, बहुत बहुत मुश्किल चीज है ऐसा कन्फेस करना। बहुत ऐसा, मोर पावर टू यू ब्रो। ये बुक ओए वापस से प्ले करो, माहौल चोद दिया उस लौड़े ने, पीछे से प्ले करो भाई। अभी हम लोग बात करेंगे क्योंकि मैंने करूँ या जो भी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जो रियल है वो दिखे अब। एंड बाकी अभी हम लोग बात करेंगे क्योंकि मैंने के को भी बताया ही नहीं है कि मैं ये वाले व्लॉग में ये चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। सो अभी उसका रिएक्शन देखा। हो गए बुक, चले वहाँ पे है। आप ही पकड़ गए यार। यही होता है एग्जैक्टली। सो होता क्या है कि ऑब्वियसली आप रियल लाइफ अब व्लॉग करो, ठीक है, आप कट्स नहीं दे सकते हो, आप अपना एक ही बार में अपना जो नेचुरल निकलता है, तो वी हैव टू समवेयर ऑन और द अदर वी हैव टू प्रिटेंड, राइट? दैट वो प्रिटेंशन गलत हो जाता है। एंड अगर आप रियल लोग, मेरे तो दिमाग में ऐसा रहता था कि यार कि वापस एक मोड ऐसा ऑन करना पड़ेगा कैमरा ऑन होते। सो दैट वॉज वेरी अनहेल्दी एंड किसी भी लोगों को करना नहीं चाहिए। इफ दैट इज पॉसिबल कि आप अपनी ऑडियंस से डायरेक्ट खुला बता सकते हो जैसे हम लोग बता सकते हैं, बट वी चोज नॉट टू स्टार्टिंग में। नो इट्स अ वेरी यार मेरे नेबर्स, मेरी फैमिलीज वगैरह, तेरी नेबर्स, तेरे फैमिली, इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यार हम लोग ऐसे इतने टाइम तक हमने प्रिटेंड करा, अब हम थोड़ा टाइम लेंगे नॉर्मल होने में, बिकॉज़ एंड वो बहुत नॉर्मल है वो। अब हमें टाइम लग रहा है, वो भी देखो ना कंगन में कितना वैसे हो रही है, थोड़ा टेंशन में लग रही है। वो ऐसा था और मतलब ऑफ कैमरा बोल दिया कि मैं अभी डालने वाला हूं। जब मैंने बोला केतन को ना, मैंने दो थोड़े एक महीने, ऑब्वियसली वी कैन नॉट शो दैट एंड इट वाज आवर म्यूचुअल डिसीजन आल्सो कि ठीक है थोड़ा टाइम लेके बताएंगे ऑब्वियसली थोड़ा। सो दिस वाज आवर कन्फेशन फ्रॉम आवर साइड, हिज कन्फेशन, मेरा तो आप सोशल मीडिया ही लाल हो गई K19। आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आ जाते हैं हम लोगों को देख के इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हमको पता है, आप लोगों को भी पता था कि यस वी बोथ आर टुगेदर। कहीं ना कहीं वो जो हल्की सी जो चुल रहती है ना अंदर सब लोगों को कमेंट करने की, वो अब शायद खत्म हो जाएगी। नहीं बट अभी भी लोग करेंगे एंजॉय, मतलब अब मेरे को लगता है कि पीपल विल एंजॉय मोर, इवन मोर देन पीपल वी विल एंजॉय मोर। इसके इतने को प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा। आते ही पता मुझसे मतलब ऐसे बात करते हैं, और भाई क्या हाल चाल है। मैंने It's 7:46 in the evening. हम दोनों को लगे तो हम लोग जा रहे हैं अंदर बूफे पे एंड खाएंगे भर के। आप लोगों को दिखाते हैं यार। Also?
बताइए, नहीं नहीं बताइए बताइए, ऑल्सो शो लव, शो लव, प्यार दिखाइएगा इस कमेंट्स में, लाइक करिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए, हम दोनों को प्यार, ये तो बेस्ट लव है भाई, केतन का तो फॉर लाइफ यार, ऐसा ही है, यू नो केतन इज सच अ नाइस गाय, थैंक यू, और लेकिन अभी कुछ दिनों से ना, नहीं कुछ दिनों से, अभी कुछ दिनों से लग रहा है मुझे, बदले बदले से हम है, लाइक इट्स फाइन यार, जब भी जो चीज होती है बढ़िया तरीके से, एंड आई एम हैप्पी दैट वी कन्फेस्ड, सबको ऑलरेडी पता था सब, सुनो सुनो, तुम्हें लगा कि तुम जो कमेंट्स नहीं, उनको लगा कि हमें नहीं पता कि उनको पता है, बट हमें पता था कि तुमको पता है, मैं आउट हूं इस वाली गेम से, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, मेरे को करना ही नहीं है, फाइनली एक टेबल में, वैसे तो खाली पड़ा है, चलो यार आगे चलो, चलते हैं, शादी शादी में मैं क्या करता हूँ, अपने किसी भाई भाई को पकड़ता हूँ, छोटा छोटा भाई जो सब लेके आ जाएगा, मैं एक जगह बैठता हूँ जो भी छोटा उससे सब मंगवा दो बैठ के खाने में, हम जो लोग मजा कैसे करते है थे, देखो मैं बताता हूँ हम क्या करते थे, आजकल तो वैसे शादी में भी हमारे वेटर वेटर लगने लग गए, थोड़ा कुछ उनको दे दो ऊपर से, सुनो तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे ग्रुप्स में जाते, अकेले शादी में मन में नहीं जाएंगे, तो मिनिमम तीन तो जाएंगे किसी शादी में जा रहे हैं ना, और तभी जाएंगे जब कॉमन रहेगा, वरना हम जाते ही नहीं, घर वाले चले जाते हैं, अगर कन्यादान रहता तो कन्यादान करवा के निकल लेते थे हम, समझ रहे हो, ऐसा ही रहता था हमारा, तो हम तीन चार दोस्त रहते थे और उधर एक दो कोई ना कोई रैंडम मिल जाता था, किसान कभी कभी देखा, सबको देते थे, यू गो फॉर दी ब्रेड्स, मतलब तू रोटी की तरफ जा, तू पनीर की तरफ जा, तू इसकी तरफ जा, तू, अरे मैं बता रहा, कुछ लोग नहीं समझते भाई हर चीज, तो मैं तू रोटी की तरफ जा ब्रो, तू इधर ये पनीर की सब्जी ले जा, तू, अरे एक तो साली भीड़ इतनी रहती है ना उधर, वो जो नहीं रहते क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको, सब यार भीड़ ही रहती है, अरे उधर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है ना, जो जैसे पाव भाजी वगैरह क्या बोलते हैं इसको, बोलते क्या इसको, चाट, अरे जो भी रहता है चाट आइटम बोलते हैं पागल, हाँ 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 चाट आइटम, इधर इतनी भीड़ रहती है ना, तो मैं उसको बोलता था प्लेट ले जा, सब चीज थोड़ी थोड़ी ले जा, फिर हम सब चीज टेस्ट करते, जो चीज बेस्ट लगती थी ना उसको मंगा लेते थे, हाँ फिर वही खाते थे। काम वाम कुछ नहीं था, दोस्त के भाई की सगाई में बस मस्ती करते करते ऐसा रात को नहीं होता, ढाई बजे के थक के बैठ गए, और रात के ढाई बजे तक हम कुछ खाए नहीं, एक कुछ भी खाए नहीं, चलते फिरते कुछ खाया होगा या आते टाइम कुछ खाया होगा बाहर से, तो वही है फंक्शन में आके कुछ नहीं खाए, रात को ढाई बजे ऐसे हम जो तीन चार पांच छह लोग बचे थे बैठे, हम सोचे यार कुछ डिनर कर लेंगे, उसके घर वाले भी आके बोल रहे थे डिनर कर लो, उधर चार पांच साउथ इंडियन वेटर खड़े थे पीछे घन चक्कर से, एकदम पागल गधे गधे दिमाग के, अब साउथ इंडियन लोग का क्या होता है मालूम है, परफेक्ट डिनर यही होगा, एक ऐसा पहाड़ बना लो चावल का, साइड में ऐसा चटनी और दाल ऐसा कुछ डाल लो, मस्त ऐसा मिक्स कर करके खा लो, माँ का ऐसा उनका परफेक्ट डिनर होगा ये, परफेक्ट ऐसा लग्जरी ताज महल में ले जाओ उनको खिलाने के लिए, वही खाएंगे वैसे साउथ इंडियन वेटर पीछे खड़े थे, उनको हम बोले चार प्लेट लो, पूरा जितना भी मेन कोर्स है ऐसा, मतलब मेन कोर्स सर्व करके लाओ, ऐसा सजा के प्लेट लाओ, वो ऐसा एक चावल का पहाड़ बनाया, राइट में टमाटर की चटनी डाल, और एक दूसरी छोटी सी प्लेट लिया, उसमें ऐसा पूरी सब्जी भर के, सब्जी का भी पहाड़ बना के लेके आया, और सर और इसके अलावा कुछ लाना है क्या सर, उसके पागल हो गया, उसके तो। नहीं मेरा भाई था एकदम गुस्से में आएगा, ये किसके हमारे ले ला रहे या तुम्हारे ले ला रहे खाने के लिए, अब तुम तो ठहरे वैसे की प्रॉपर डाइट लेने वाले, वो एक ही चीज भर ला है इतना, अबे हाँ भाई ऐसा शादी वादी में और क्या ही, भाई सब कुछ खाते है शादी वादी में, मतलब हमारे शादियों में अब 150-200 आइटम रहते हैं, उसमें से वो ले गया व्हाइट राइस ऐसा पहाड़ बना के कि भैंसों को खाना दे दिया हमें, और जैसे लग रहा है कि पूरे जितने भी 100-150 लोग हैं एक ही प्लेट में खाने वाले, और सब तुम्हें देखने लगे होंगे कि क्या, अबे सबके लिए ही मंगवाए थे और सब प्लेटों में पहाड़ बना, हाँ अरे बाकी जो लोग होंगे कि कैसे, वो दिन हम जितने भी लोग बैठे थे हम भूखे थे, कुछ खाए नहीं,
वो देख के तो एकदम ही मन मर गया खाने का, माटिया उनको बोलते थे ब्रो ये तुम ही खा लेना, वही बोला ये हटा लो यहाँ से। दाल तड़का और चाइनीज सैलेड विद टोफू, ये खाती कम है और आसपास लोगों का खाना ज्यादा देख के खुश होती है। I'm just exploring किसने क्या लिया so that I can decide. सूप वगैरह तो लिया नहीं, तूने सीधा मेन कोर्स ले लिया। Obviously यार मेन कोर्स ही खाएंगे, अब टाइम देखो अभी वॉच में चार्ज होता नहीं है एंड ये पहन के तो केक होना, अपना खाना चूज करने में पता नहीं दुनिया भर का टाइम लग जाता है। मैं यहाँ पे दाल और अपना जो भी सैलेड था वो लेके आया हूँ, बाकी रोटी आ जाएगी। और अगर आप लोगों को आज कैमरा ज्यादा मेरे मुंह के अंदर घुसा हुआ लगे तो वो बस ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ, आसपास लोग बैठे हुए हैं एंड आई डोंट वांट टू साउंड लाइक वियर्ड गाय हु इज सिटिंग आउट ऑन द टेबल एंड जस्ट शाउटिंग इन द कैमरा। आ गई, हो गया डिसाइड करना, केटिंग को मैंने अकेला छोड़ दिया बिकॉज़ आई वाज आउट। तो मैंने दोनों चीज ट्राई कर ली है, ब्लैक बीन नूडल्स जो कि ऑब्वियसली मुझे नहीं पसंद आए एंड ये पोटैटो का कुछ तो था, केटिंग तेरे को पता है क्या था? आई डोंट नो। अपना सिंपल खाना खाओ, दाल तड़का ऑर्डर करके ये वो इधर उधर का पोटैटो नूडल्स। इफ आप बूफे में आए हो ठीक है, यू हैव टू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक बार खाना, बहुत चाय अवे हो रहा है। चाय भी नहीं हो रहा यार, मैं परेशान हो रहा, आप जल्दी लाओ खाना, लाओ और बैठते हैं खाना खाते हैं मस्त प्यार से बैठे। अब दो रोटी ले जा रहे हो फिर क्या, दोनों आज ऑकवर्ड से नहीं हो रखे मतलब समझ रहे हो? नहीं मतलब वो अपने ब्रेन में प्रोसेस कर रहे हैं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब हम ऑफ कैमरा जैसे रहते वैसे रहे। केतन व्लॉग एडिट कर ले और एकदम एंड में कॉल आए, नहीं केतन नहीं डालना तुम्हें आज, रहने दो। नहीं बट बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, ऐसा नहीं है कि अभी पहले भी खत्म नहीं हुआ है दूसरा। और ये देखो एक पहली थाली ये जो आज पड़ी है, कौन खाएगा पता नहीं, यहाँ का खाना अच्छा ही लग रहा है बिल्कुल भी। एक तो खाना खाने आए थे होटल में बस, और वही अच्छा नहीं है। थैंक यू यार, मैंने दाल मखनी भी बोल दिया एंड उन्होंने बोला ओके कुछ भी काम कराना होता मेरे को बोल देना हो जाएगा ठीक है। वैसे दे आर स्वीट, इफ यू वांट एनीथिंग दे विल गेट इट फॉर यू। रिजेक्टेड, वेरी रूड ऑफ यू, मेरे को तो बड़े प्यार से बोला क्या चाहिए, उन्होंने बोला दाल मखनी बहुत ही अच्छा। ओहो बाकी सारे प्लेयर ना आस पास के ऐसे ही है, बीच के बिच्छू कच्ची मिट्टी है हमारी। एक तो दाल मखनी लाओ इनके लिए। दाल मखनी आई नहीं अभी, आई जाएगी रास्ते में। दाल मखनी चल के आ रही है, अगर कंगन ने ऑर्डर करी तो क्यूट ही होगी दाल मखनी, टेस्टी नहीं होगी बट क्यूट होगी। अब मैं कैमरा वहाँ रखूँगी जहाँ पे मेरा एंगल अच्छा आएगा। गाइस आज के व्लॉग में ना ऑडियो थोड़ी सी एम्प्ड अप रहेगी क्योंकि हम लोग बहुत स्लो बोल रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू बी सिविलाइज पर्सन नॉट समवन जो आर सिविलाइज्ड। अगर हम चिल्लाएंगे तो सिविलाइज नहीं होंगे, सो दैट इज द टाइम एंड हम लोग सिविलाइज्ड हैं, इसको प्रूव करना पड़ रहा है। कंगन की ग्रामर थोड़ी सी लेफ्ट राइट हो गई मेरे से, बात हो गई थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। सब्सक्राइब की आवाज आ रहे भाई, सब लोग सब्सक्राइब करो जो भी देख रहे। हम वैसे भी बूफे में बहुत कम खाते हैं, केतन खाता नहीं है मेरे साथ, शेयरिंग नहीं करते हैं। अभी तक एक चीज नोटिस करी केतन तुमने? नहीं नहीं नोटिस करो, टेबल पे क्या नहीं आया अब तक। आई विल ब्रेक अप विद दिस गाय इफ ही विल नॉट गेट दिस। दाल मखनी? नो नो नो, टेबल फाइनली। नहीं तो अभी बहुत खतरा था पता है। ये ब्रेकअप ब्रेकअप वाली की बातें चल रही है यार, ये मैं कट कर दूंगा। अभी बताया और अभी मैं ब्रेकअप। क्या तुमने भी वही सोचा जो मैंने सोचा? क्या सोचा तुमने? चलो चैट क्या तुमने भी वही सोचा जो हमने सोचा? अगर चैट लिखती है तो एक बार लिखो चैट हमने क्या सोचा, क्या तुम गेस कर पाए? इविल माइंड गाइस, इविल माइंड। मैं समझ गया, नीमो ने वही सोचा होगा जो मैंने सोचा। क्या चैट ने वही सोचा? चैट बताओ कैसे रहते हैं भाई लोग, चैट बताओ क्या तुमने वही सोचा जो हमने सोचा? हाय श्रुति, हाय दीदी, हाउ आर यू? सोचा मेरे को तो तुम देख ही नहीं रहे। अभी देखो मेरे को यही सब चीजों पे लोग जज कर देते हैं भाई, रुक जाओ नहीं बताऊंगा। शुरू होते ही खत्म, ओनली किंग ऑफ भाई जिसे देखो भाई क्या लिख रहा है भाई, चक्कर बाबू भैया, ओनली किंग ऑफ आईजीसी दिव्यांशु भाई, ये क्या है? ये चैनल प्रमोट कर रहा है। अच्छा वही जो मस्ती में सोचा।
मस्ती ने क्या सोचा बताओ, मेरी सोच तो तू जानता ही है मस्ती। सब्सक्राइब करते रहो भाई, मजा आ गया। साहिल टीवी थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, सुमित कुमार थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। ऐसा सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो भाई सब लोग। भाई सब लोग वो अलग गेम खेले जो तुमने सोचा भाई, चल छोड़ो प्ले कर दो भाई। एक सेकंड, हेलो नीमो लव फ्रॉम गोवा। यार मंगेश भाई मैं शायद गोवा आने वाला हूँ, मेरे को यार मैसेज मैसेज करके रखो। नीमो को आपका ही लव चाहिए होना, मेरे को अरेंजमेंट्स होना। नहीं नहीं मंगेश भाई का ही प्यार चाहिए नीमो को। अबे सुनो मैं एक एक लीक दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी गोवा गया ना मैं ऐसा 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 नहीं रहने वाला हूँ बिल्कुल भी। पूरे हाथ कुछ तो आवाज आई, कुछ तो गया मेरा। हाँ मस्ती, पूरा टेम्पररी टैटू से भरने वाला हूँ मैं अपने आप को। सुनो प्ले कर दो, पागल बातें मत करो, पागल हो गए हो आप। डिजाइन से खेल रहा है। थैंक यू सब। आ रही है डिजर्ट की तो घिया का हलवा है, साथ में ब्राउनी विद चॉकलेट। कैसा हलवा? टेस्टिंग में गाजर का हलवा। मेरे को भी टेस्ट कराओगे? हलवा वलवा नहीं पसंद आता यार। हलवा और गाजर का हलवा बिल्कुल सेम। आई डोंट नो हाउ डू दे डू इट बट यस इट इज सेम। सो अभी हम लोग जाएंगे आगे, खाना वगैरह हो चुका है, दाल मखनी बची है, सो शी इज हैविंग स्पून से डायरेक्ट। तो अभी हम लोग सामने जाएंगे। स्पून से डायरेक्ट क्या होता है, मतलब स्पून से ही होता है दाल मखनी तो, मैं और किससे होगा? रोटी के साथ भी खाते हैं शायद लोग। रोटी किसी ने शायद भिजवा दी है, भिजवाई नहीं है क्योंकि वेस्ट हो जाता है गाली इतना। तो शी इज हैविंग वन हॉट कॉफी एंड मैं क्या पीऊं यार, 21 कॉफी, रियल कॉफी बीन्स डलती है। ये सेम चीज ना नॉर्डन ऑफिस में भी होती है। नॉर्डन ऑफिस हम लोग कास्टिंग के टाइम पे बहुत कॉफी पीते हैं, बहुत कॉफी। दिस इज माय कॉफी, दिस इज टी फॉर के केटी। वुड यू लाइक टू हैव सम शुगर? ये वो नहीं है उसका डायलॉग है ना, काजोल ने बोला था ना। डिंग 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 डिंग। नहीं यार तुमको मूवी नहीं, नहीं कुछ कुछ होता है यार। नहीं भैया से क्यों पूछ रहे हो यार। लिसन मैं बताती हूँ, जिसमें ऋतिक रोशन था, करीना कपूर थी, शाहरुख खान था और काजोल। कभी खुशी कभी गम। सारा खाना सारा पीना सब कुछ ले जाती क्योंकि मैं टेस्टी चीजें मंगाता हूँ। हाँ जी क्या हुआ, आगे मजे? अगला जो मंगाओ ना सेम डिटो कॉफी प्लस टू बोल दिया करो, प्लस वन बहुत बेसिक थी यार वो। किसी ने तुम्हारी कॉफी नहीं पी? एक बार सुनो, एक बार हम हमारे फ्रेंड लोग और हमारे स्कूल की कुछ लड़कियां गए थे ऐसे खाने पीने, किसी का तो बर्थडे था, तो किसी का तो था बर्थडे, मेरे को नहीं याद। सुनो तो सिचुएशन, तो हम सब लोग क्या, अब हम क्या लड़कों का क्या रहता है, हमें जो चीज अच्छी लगती है वही मंगाएंगे बराबर। और लड़कियों का जैसे अभी सेम कंगन ने जो करा कि इनको कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, या तो कूल बनने के लिए या फिर सच्ची में पता नहीं कूल नहीं है। तो हम हमारा फिक्स एक्सप्लोर। हाँ हाँ दे लाइक टू एक्सप्लोर। हमारे दो तीन ही चीज फिक्स रहती है, एक तो वर्जिन मोहितो, एक कोल्ड कॉफी। ठीक है सुनो तो सुनो तो हमने वो मंगाया, हमारे में था एक महान सॉरी एक महान लड़की, वो बोलती है आई विल गेट मींस वाटरमेलन फ्रेप ऐसा कुछ तो उसने बोला। इतना सड़ा हुआ आया उसके वो एक ग्लास, उसने ना ग्लास रिप्लेस भी कराया, सब कुछ कराया कि अच्छा नहीं है ये नहीं है, एंड में उसके ग्लासेस सबने एक घुट मारी और उसने पूरी की पूरी कोल्ड कॉफी पी ली थी हमारे एक फ्रेंड की। तो मैं अभी रिलेट कर पा रहा हूँ केतन से। प्ले बेचारा शकला का बूम बूम जो पेंसिल आती थी, अगर किसी ने नहीं देखा ना तो वो झूठ बोल रहा है। सबने देखा होगा यार, सब लोग निकल रहे हैं बाहर, खाना हो चुका है। हाउ वाज द फूड? दाल मखनी ऑनेस्टली बहुत अच्छी थी, बाकी हम दोनों के दोनों भी ऐसे हो रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, शर्माओ यार। चलो अपनी 1101 तो आ चुकी है। ऑल्सो गाइस हमारी 1101 आ चुकी है, लास्ट वाले व्लॉग में मैंने बताया ही नहीं क्योंकि इसका ना चार्जिंग वाला इशू था जो अब सॉर्ट हो चुका है। सो वो जो चार्जिंग वाला इशू था वो ठीक हो चुका है। बाय द वे आज ना सुबह मैंने एक स्नैप लिया था जो 303 किलोमीटर कुछ दिखा रहा था रेंज 100% पे, नाउ करेंटली शोइंग 73% पे 175 किलोमीटर व्हिच इज ग्रेट रेंज। समझ आया क्या बोला मैंने? गाड़ियों का इंटरेस्ट है क्या बोल रहा है? गुड लव गाइस वेलकम बैक टू केतन्स चैनल। हम लोग बूफे एक घंटे में करके आए हैं, ये दुख का ही कम नहीं होता है। रेनी बे ये दुख का भैया क्या चिल कर रहे हैं यार, मेरी आंखों के रेटिना के अंदर घुस के ऐसे कर रही है ये। हम आए हैं
मीसो शॉपिंग करनी। अभी मुझे जस्ट आप लोगों ने देखा नहीं, बिकॉज अभी भी क्या हुआ कि हम लोग यहाँ से निकल रहे थे ना, तो केतन कहता था आईफोन 14 चाहिए, एंड बिकॉज मैंने लास्ट ईयर बर्थडे पे अपना ही परचेज करा, बर्थडे नहीं जनवरी में परचेज करा था आईफोन 13, आई स्वेयर आई हैव नो इंटरेस्ट व्हाटसोएवर इन आईफोन 14 15। एक बात बताऊं, अगर आप आईफोन ले रहे हो ना तो 3 साल तक 4 साल तक अपग्रेड करने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि ना इतना ज्यादा अपग्रेड होता नहीं है फोन में। अगले साल में कुछ छोटा सा माइनर चेंज दे देंगे, 4 साल बाद करोगे तो शायद यू विल फील कि हाँ यार मेरे पैसे वर्थ हो। एंड यू सही है रे मस्ती, बात तो सही है एकदम। तो मेरा अब ये इसी चीज से एक और बात, अभी हम कल परसों हम गए थे दोस्तों के साथ मिलने, तो मेरे दोस्त के पास था कौन सा आईफोन 12 था, पहले उसके पास 6 या 7 था, तो अब उसके आईफोन 12 था, ये अपग्रेड बेटर था। सुनो तो 6 या 7 था। लव फ्रॉम दुबई, मैंने मारवाड़ी बोला था, मैं तो इतने पैसे कमाता है सड़े मिट्टी में डालेगा, कह रहा जब अब इसका बैक का कैमरे का फोन तरीका बदले खरीदूंगा। तो वो बात मेरे को स्ट्राइक करी, तो मेरे को भी ये लगा भाई जब कैमरे का डिजाइन बदलेगी तभी लेंगे। यार अभी दुबई से मेरे को मिल गए यार लोग, दीति लड़की वड़की मिल गई दुबई से यार, आई विल गेट आईफोन 14 प्रो मैक्स दीति। अरे तुम्हारे है क्या? नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बोला, अरे दीति है क्या, मेरा क्या लेना देना दीति यार, मंगाता हूँ यार, आप ही भिजवा देना मेरे को आईफोन 14 प्रो मैक्स। हेलो ब्रो, हेलो आरपी हंटर, हेलो राउडी गेमर, सब्सक्राइब करते रहो सब लोग, यूज करो यार जो भी फोन, मेरा तो भी 12 प्रो मैक्स में कर दो। मोस्ट सेड यू नो कि अगर आप हां बोलते तो मैं तो दिला दूंगा यार, बट पॉइंट इज आई डोंट वांट। आज के दिन कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए था ब्रो, आज तो देना चाहिए ना भाई, देखो कितने महीने अगर गिफ्ट नहीं दिया तो भाई कितने भाई कट्टी भाई यार, आज स्पेशल रिवील था भाई, देखो आज बेस्ट लुक था भाई, ये मैं बूढ़ा तो होना भाई, ये तो मैं भी मान रहा हूं, ये सब एक्सेप्ट करने के लिए जान तो होना, वो कर दिए तो ऐसा ऐसा छोटा गिफ्ट भी आज मतलब मैं नहीं दिलाता। एक बार हाँ तो बोला, आप हाँ तो नहीं बोलते, वो अच्छी बात है। मेरे को मिनीसो ही जाना है बस। तो चलो मिनीसो में लेते हैं कुछ। तो अभी हम लोग निकले थे मिनीसो से और इसने कुछ शॉप करा है, अंडर आई वाले जो होता है ना पैचेस होते हैं वो लिए हैं, बाकी अंदर ब्लॉग कर रही थी, ब्लॉग करने ही नहीं थे भैया ने भगा दिया इसको। I'm an influencer. Let's go home. तो ब्लॉग के लिए तो मार देंगे। अबे सो हम लोग अभी घर जा रहे हैं, करो बैक करो बैक करो बैक करो कम से कम 10-15 सेकंड आप प्ले करो। गाइस आज के थोड़ी बटरफ्लाई जैसी नहीं लग रही है, बटरफ्लाई पेट में भी बटरफ्लाई आ रही है। So, हम लोग अभी घर जा रहे हैं गाइस, तो ना अभी मजे कर रहे हैं हम लोगों ने आज बहुत सारे, बट व्लॉग छोड़ो छोटा सा बनाए, बट अभी कल या परसों जब भी व्लॉग आएगा नेक्स्ट वाला तब। पर हाँ दिवाली वाले दिन पता मेरे को पुलिस वाले ने रोका था, मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं कि क्या करते हो कितना कमाते हो, मैं 20,000 रुपए कमाता हूँ सर, उस टाइम एडसेंस भी नहीं आया था मेरा, तो फिर पूछ रहे पापा क्या करते हैं, मैं पापा का तो क्या ही है मतलब बैंगलोर रहते हैं मैं अकेले रहता हूँ यहाँ पे, कि गाड़ी तो महंगी ले रखी है कहाँ से आई, मैंने बोला सर लोन पे ले रखी है पैसे वैसे इतने होते नहीं है, तो फिर वो अपने आप ही गाड़ी के अंदर चुपचाप 20,000 रुपए बैठे और चले गए, उनको लगा कि मैं कुछ पी रखा हूँ या कुछ आई वाज ड्रिंकिंग या कुछ ऐसा कुछ नहीं था, मैं सिर्फ ड्राइव करते हुए अपने घर आ रहा था द्वारका से, दैट्स इट। निन्नू आ गया इसको तो घर पे जाके क्रैश, हैप्पी न्यू ईयर केतन। थैंक यू कंगन, यू नेवर कॉल मी कंगन, जब ये मुझसे लड़ता भी है ना तो भी ये कई बोलता है, तो हाय कंगन यहाँ मत कर। कंगन सुनने में भी ऐसा अजीब दिख रहा, के ही बोलता है हमेशा, के तो अच्छा है, के अच्छा है, क्यूट नेम है। With that said, मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में, अगर पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। अभी बाय नहीं हुआ है, मुझे बात करनी है। और क्या बात करोगे, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट हम दोनों के बीच में जो हम बात करेंगे। बाय गाइस, टेक केयर, पीस आउट, बाय। गुड व्लॉग ब्रो, मस्ती तुम कब घूमोगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? नहीं नहीं मुझे चाहिए। मल्टीपल है गाइस, टूटा हुआ एक क्या था, होगा था जो लाइक आ कर दो भाई, 500 लाइक भी पूरे नहीं हुए अभी तक, अब बोलो किसका नेक्स्ट, किसका वो करेंगे ट्रिप के वक्त से K18 ट्रेंडिंग में तो है, वो तो है भाई, वो तो है भाई। नेमो अब तो भाई तुम्हें गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, तुम्हें एक बंदी बटानी पड़ेगी अगले साल तक, मैं लेने वाला हूं और फिर बस यार, बट मेरा अलग ही है ब्रो, लेना है तो बहुत महंगी है तो नहीं।
बट यार वो नहीं होता, बट बेसिक कभी जरूरत हो जाती है। कैरी कैरी की वीडियो क्या देखेंगे भाई, लेकिन अच्छा हुआ रिवील कर दिया पता कितने ने। बहुत उन लोग अभी उन लोग को ही मजा आएगा व्लॉग करने में, ऐसा नहीं कि और खुल किसी को मजा आएगा, एकदम ओपन ऑब्वियसली देखने वालों को तो अलग से मजा आएगा ही आएगा, बट उनको खुद को उल्टा व्लॉग करने में भी और मजा आएगा। चैट डिटेक्टिव नहीं होते कि वो जो डिकोड करते रहते हैं, देखा तेरे भाई की प्रेडिक्शन, देख कमेंट देख, देन कमेंट देख, कमेंट देख, मेरे को तो पहले से ही पता था गाइस, टेल अस समथिंग दैट वी डोंट नो, ये भी चल रहा होगा ब्लेस्ड यार, ये सब अच्छे हो कमेंट होते हैं माय, नीचे वाला देखो इस सीनियर का देखो क्या, आई हैड अ ब्रेकअप लास्ट मंथ सिंस आई हैव बीन स्टेइंग अवे फ्रॉम फ्रेंड्स फैमिली, lost all of in relationships, started hating relationships, but then I started watching you both and reminded me of my past. अब ये unsubscribe कर दिया होगे। It's good to see both of you happy. Please don't ever break up. There is nothing which can be fixed with time. ये तो है बात। Peace. भाई बेचारा दुखी था। Like तो बनता नहीं मुझके comment में। 200 like already है यार। Everyone is happy because they confessed. Yeah. अबे ऐसे उल्टे सीधे content नहीं है। अबे हाँ इसके वो चल रहे थे। प्रथम पटेल hello welcome thank you so much for joining. Alpha back का है वो तो मेरे को पता गायब था लेकिन back आ गया वापस आ गया क्या? अभी तो बोला वो vlog में क्या सुन रहे हो? कब बोला? कब बोला? कौन से time पे बोला? मैंने नहीं बोला ना पुलिस वाले रुके थे उस time तक मेरे adsense भी बंद थे। अच्छा पिछले व्लॉग में बताया होगा एडसेंस आ गया, अपन ने देखा नहीं होगा ना, we don't follow much you know, I bet everyone just smiling for more than 1 minute, cute and simple confession are rare nowadays, ये तो है बहुत बहुत ऐसा good flow bro, अच्छे flow में ले गया वो, अबे ऐसी वो genuine था भाई इस बार पूरा genuine था, गुड फ्लो। चलता हूँ मैं 2 तारीख से सीए की एग्जाम है, अबे सीए भी है क्या प्रनीत भाई, तुम हैदराबाद के ही जाए क्या? हेलो ईशु वेलकम, हाइड्रा मीटअप व्लॉग्स अभी कौन से मीटअप हो रहे हैं? इट्स प्रिटी ऑब्वियस दैट वी नो बट आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू, चैट डिटेक्टिव है तो अच्छे कमेंट्स है भाई, अच्छे कमेंट्स है। अरे तो अबे तुम्हें पता चला वो कृष्णा ने जो नया गाना निकाला ना, इक्का भाई ट्रिगर हो गए, देखो 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 लिखो लिखो इक्का वर्सेस कृष्णा लिखो, लोगों को इतना भाई लेकिन इक्का वो जी है, अरे नहीं आएगा, इक्का नहीं है ब्रो, जी इज कृष्णा, इक्का इज आल्सो जी ब्रो, नहीं भाई इक्का इज बिफोर जी है, इक्का इज बिफोर कृष्णा है बट इन लाइमलाइट, लाइमलाइट की तो बात ही नहीं है, करंट ओजी पैराडॉक्स ब्रो, ऐसा दिमाग हिल जाता पैराडॉक्स सुन के, चैट किसी को पता है क्या हिप हॉप का कुछ है क्या चैट में तो बताओ, तो एनी हिप हॉप रवर यार एक भी अगर हो गया ना ऐसा दिल को सुकून मिल जाएगा, हैदराबाद से हूँ, अरे नाइस, अल्फा के व्लॉग कब आएंगे ऐसे, अभी तो है यार थोड़ा टाइम शायद उनको लगेगा, निमरोड को बताया था उन्होंने, बता दो नहीं सेकंड ग्रुप क्लियर है सिर्फ ग्रुप 1 सीए फाइनल, भाई तुम मेरे वो बन जाओ भाई विकेट सनी, नहीं यार हसल, अबे मतलब ओ विकेट सनी यार, अभी हसल तो वैसे ही ट्रेंडिंग पे है, हसल के अलावा कोई हिप हॉप फॉलोअर है ऐसा तो, एमसी स्टैट देखो, एमसी स्टैन मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ, आई पर्सनली डोंट लाइक हिम, इंटरमीडिएट अच्छा इंटरमीडिएट, डिलीट कर दो उस टीम को, डिलीट कर दो, किसी दिन लीक कर दोगे तुम तो क्या भाई, अभी लीक कर दो मेरे को क्या डर है, अरे नहीं डर नहीं लेकिन स्टिल मस्ती है, हैदराबाद में आपका लोकेशन दो अभी आता हुआ आपसे मीटअप कर ले ले, पवन कुमार भाई देखो व्हाट्सएप पे लोकेशन डाल दिया मैं, हेलो वेंट्रेकन हाउ आर यू वेलकम,
बेला सुनता मैं बस, बेला इज आल्सो गुड एक टाइम पे अच्छा था। बट भाई पैराडॉक्स को देख के जोश आ जाता भाई अंदर, 18 साल का है भाई पैराडॉक्स। अरे उसकी आवाज का 18 साल फ्लो है ना, उसकी दो तीन फ्लो है आवाज की, बहुत बढ़िया लगता है। सूदिंग फ्लो भी है एकदम उसका, वो भी है एकदम जानवर जैसा भी है। अरे धुम मत ठा देंगे मतलब समझ रहे हो, उस टाइम से उसका फ्लो आ जाता है तुरंत। अरे गंगा ले मुंडे है भाई, मतलब मेरे को उसका आवाज, उसका फ्लो, उसके गाने से भी ज्यादा अच्छा उसकी एज लगती है भाई। 18 साल में कोई इतना इतना ऊपर कैसे हो सकता है, मतलब दिमाग, 18 साल का हो ना गाइस, तो नीमो खुश हो जाएगा तुम्हें देख के। अबे जो अच्छा कर रहा है उसको समझ तो देख के हम, तो मैंने भी बोला था ये चीज, 18 साल की उम्र में उसकी सोच इतनी ऊपर कैसे है। वही वही भाई, इतना अच्छा माइंडसेट 18 साल में, उसने बहुत जल्दी देख ली उसने या तो दुनिया, या फिर उसने बहुत स्टडी करा है आसपास के एरिया को, मतलब आसपास की चीजों को बहुत ऑब्जर्व किया उसने। 18 साल में मैं कैसा पागल दिमाग का था मैं ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, इतना दिमाग हमारे में अभी भी नहीं है पैराडॉक्स जितना। और पैराडॉक्स की एक फोटो उसमें हसल में डाले थे, वो 47 के स्टूडियो पे गया था रिकॉर्ड करने जब उसकी उम्र थी 14 साल, सोचो भाई। अरे ये पैराडॉक्स पुराना बंदा है पता है, वो ये अभी वो रोहन कारियापा का एक चैलेंज भी हुआ था पहले, तब उसमें भी वही जीता था। देखते हो तुम तो भाई, उस भाई सच बताऊंगा ना, अब तुम मानोगे ना, उस बंदे ने हिप हॉप बूस्ट किया इंडिया में, ट्रस्ट में रोहन कारियापा। हाँ रोहन कारियापा ने किया, पूछो कैसे। रोहन कारियापा को इवन समय रैना ने बुलाया, मतलब इसमें स्ट्रीम पे। अरे हाँ नहीं, अब देखो मैं बताता हूँ, अपन पहले गाने सुनते थे, डिकोड नहीं कर पाता कोई, नहीं कर पाता नहीं, मतलब उसने उस चीज को, उसने उस चीज को बूस्ट किया कि लिरिकल हिप हॉप, जैसे कृष्णा ने लाया, मतलब रीपर लिख रहा है 19 स्माइली इमोजी एंड हियर। अरे किधर हो भाई आज का क्या प्लान यार, वेंड रखें जो बोलेगी वो प्लान बना लेंगे हम तो। चलो चलो कुछ और चलाओ, क्या बोल रहे थे तुम कृष्णा? अरे कृष्णा लिरिकली कर रहा था लेकिन उस चीज को मासेस तक पहुंचाया रोहन ने, तुम्हें पता है कृष्णा के गाने के बाद उसके कमेंट्स में क्या चलता था पहले, अब तो लोग खुद ही ढूंढ लेते हैं कि लेजेंड्स वेटिंग फॉर रोहन से ब्रेकडाउन। है भाई रोहन की हाइप है भाई, आईजीसी रोहन इज, देखो ना मैं भी आईजीसी डाल रहा हूं, इक्का का लिखो दो, इक्का का लिखो दो, इक्का वर्सेस कृष्णा भाई। लेकिन ये चीज मैंने भी बोली, जो नया गाना है ना कृष्णा का, मुझे लगता है उसको वो चीज छोड़ देनी चाहिए, हर बार कितना ही पुक करेगा मेरे को, समझ रहे हो। अब मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ और आएगा, इवन दो इट वाज गुड, बट अब भाई मेरे को करनी है रेड करनी है यार, कितने लोग स्ट्रीम पे एक्टिव है जो जाके स्पैम कर देंगे गंदा वाला, बोलो मस्ती रेड करेंगे, मजा आ जाएगा भाई मेरे को तो, बहुत मजा आया था उस दिन जिस दिन रेड कर रहे थे। चलेगा, जो भी रेड के लिए रेडी है अप फॉर रेड, अप डाल दो, अप यूपी अप ब्रो, प्ले एचटीआरपी, एचटीआरपी अभी नहीं आया ब्रदर, एचटीआरपी नहीं आया कोजे यार, बट ऐसा नहीं कि एक दो मैसेज चार मैसेज डाल के रुक गए, ऐसा स्पैम कर देना गंदा वाला। रीपर क्रो क्या डाल रहे हैं, रीपर मेरे को तो दिख नहीं था, करो 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 अप, ज्यादा लोड नहीं है। अरे वो क्रो का मतलब बता रहा हूँ, वो करो है क्यूट वे में, करो बोल रहा हूँ। अच्छा माखिया भाई, इतना तो मेरा ब्रेन ही प्रोसेस नहीं हुआ अभी तक। लोकेशन तो बोल दो, हाईटेक सिटी से हूँ मैं, आ रहा हूँ भाई हाईटेक सिटी, आ रहा हूँ अभी कुछ टाइम, डाउन नीमो ट्यूब लाइट यार, मैं निब्बा निब्बी थोड़ी हूँ अभी ये सब बात करते रहो ऐसे, तो मैं भी नहीं हूँ लेकिन वो मेरे को भी ऐसा है, मैं भी शौक, तुमको भी कोई समझा भी दिया होगा या फिर हाँ मैं भी शौक हुआ था कि क्रो क्रो क्या है, तो किसी ने बोला था कि मम्मा भाई बोलते हैं क्रो क्रो, तो अब समझ आ रहे हैं माँ क्या के, तो ये हाँ मामा कब कन्फेस करने वाला है। मामा भाई का कौन है, कोई नहीं मामा भाई का, अच्छा नहीं है क्या, कौन है मामा भाई का? मामा भाई तो भाई करियर पे फोकस्ड है उनका, तो ये तो प्यारी यूट्यूबर गाड़ी वाड़ी आ गई भाई। चैट कुछ और देखना है तो बता, ऑफ 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 कुछ नहीं हुई प्रूव,
टाइम आउट ना देंगे अब तब तक। कर बोलो मस्ती क्या करना है। क्या जो भी आपकी इच्छा हो कर लो भाई। भाई जल्दी मैं तो कह रहा हूँ एटलीस्ट के व्लॉग देखो स्वाद एक एक इससे समय बड़ा। रहना है यार दुबई वैसे ही यार। They say money can't buy happiness. Habibi, welcome to Dubai. इसके मुंह से ही मजा आ जाता देख के इतना चिल रहता ना भाई इस समय। जी का बूट टाइम देखा है दोस्तों। वेलकम 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 टू दिस व्लॉग। आज पहली बार मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रिप पे वही चड्डी पहन के। दोस्तों चेक मैंने करा लिया है दोस्तों वही चड्डी पहन के। सिंपल प्रोसेस है ओनली चेक माय पासपोर्ट रह गया भाई। पासपोर्ट सर पासपोर्ट ही रह गया मेरा। दोस्तों मनी एक्सचेंज लेट्स ट्राई टू डू सम मनी एक्सचेंज नाउ। सही मनी एक्सचेंज है इंडियन में ही 5 रुपीज के बदले 10 रुपीज मिलेगा क्या? तो दोस्तों मनी एक्सचेंज पे तो बेस्ट है ब्रो। यहीं पे कर रहा हूँ भाई। ये लो 100 ये लो 100 100 के बदले 100 तो भाई चीयर्स चीयर्स। 100 दिरहम ले लिया उसने। अबे हाँ तो दोस्त है ना उसका। कष्ट दुख दर्द पीड़ा बच्चे नहीं मिलने चाहिए भाई फ्लाइट में बहुत दुखी कर रहे। और ये ट्रेन आ गई है एयरपोर्ट के अंदर। ट्रेन है भाई दुबई दुबई। समय को ब्रेक स्ट्राइक ही देता है वैसे सीधा। मजाक कर रहा मजाक कर रहा अरे मजाक कर रहा मजाक कर रहा। दे से मनी कान नीमो की जो फटी फट्टू नीमो। यार मेरे पास एक आइटनरी है। मेरे को एक बंदा मिला था एयरपोर्ट पे उसने मुझे थोड़े रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन दिए थे। अल हलाबी रेस्टोरेंट देखते थे मॉल ऑफ एमिरेट्स। अरे मॉल ऑफ एमिरेट्स तू भाई चल पास में। अबे चल क्या है ब्रो 1.5 किलोमीटर से। लेकिन 3.7 स्टार है रे इस पे भाई। वो नंबर पे कॉल करेंगे कौन सा हां हमारा के नंबर पे। हां ऑफ कोर्स। तू कैसा देख रहा है क्या बात नहीं है। कितना सेकंड और बचा कितना सेकंड पुल ऑफ करेगा ये जोक। आप बोल रहे क्या बोल पूछूंगा क्या हुआ तो अभी तो इधर लोग हैं स्टॉप क्या हुआ भाई। ओ मैं भी गया हूँ इस मॉल में। मैं भी गया हूँ दैट इज भाई जेट लैग सा लग रहा है। दुबई में भी जेट लैग 10 घंटे लंबा सा है एकदम। जाना नहीं ऑटोमेटिक है ये नहीं बे। हर चीज का तुम्हें डेमो मिलेगा। तो हम भी बहुत बकचोदी करते थे पहले छोटे थे तब। और फिर वहाँ से हम जा सकते हैं एक बार बीच में चले जाएंगे कल। बहुत ऑप्शन है देखते हैं उसके बाद फिगर आउट करते हैं इम्प्रूव शो तुम्हारा वाप करेगा। उसके बाद फिगर आउट करेंगे साले करना करते हैम्पटन में हिल्टन। टैक्सी बहुत चूसती है बेटा सर बट ड्रॉप अस में सर। टैक्सी वाला भी बोल रहा है ये तो वॉकिंग है। समय साहिल मेकिंग कैब ड्राइवर ड्रॉप देम एट वॉकिंग डिस्टेंस कैब ड्राइवर हु वेटेड 30 मिनट्स फॉर अ राइड। इट्स प्रीटी फार।
को, इसी के साथ हमें गाली पड़ी है। मुश्किल से 10-15 दिरहम भी नहीं दिए होंगे उसको, इतना पास था। अबे बट देखो यार, ये तो इनका कंफर्ट देखेंगे, ये तो पैसे दे रहे हैं फ्री में थोड़ी जा रहे। अरे तो एक वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बताती थी, उसने बोले वो जब ये गए पैदल है 10-1 किलोमीटर, थक गए होंगे, आए पैदल ऑलरेडी। नहीं अरे तो एक वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना, अरे एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है थी, उसने बोल दिया वॉकिंग डिस्टेंस पे चले जाओ, इसलिए तो वो नीचे करके रिकॉर्ड कर रहा था। पहली बार में देखा रे कोई कैब वाला अपने को गाली दे दे रहे भाई, फोन तो नहीं, हरकत नीमो करेगा। मैं तो यार ऑब्वियसली करूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा कभी मन होता कि पैदल थोड़ा भी नहीं चलना, कभी होता कि एकदम ऐसा पहाड़ वहाड़ चढ़ जाऊं। भाई तू देख ले भाई, फोन कहां है तेरा भाई, कैब में अगर रह गया दोस्तों। इतने सारे प्लान्स बना के आज हम उठे हैं शाम के 7 बजे, शो है अभी 1.5 घंटे में। क्या भाई बुर्ज खलीफा आने वाला था ना, चल अभी क्या अभी घर पे बैठ के नहीं आते हैं। Menu for the day guys, that ship is what I'm gonna perform in. Is it actually on water or is it just on land? It's on water. Hello Kunal. Oh, भाई first time performing on water क्या? RVCJ का बना दिया ना इसमें। Oh, भाई first time performing on water क्या? फेसबुक से भी पुराना है, फेसबुक के टाइम से जानता हूँ मैं इसको। क्या RVCJ जो पेज है अंधा वैसा, आय अंधा वैसा। चेक साउंड नहीं आ रही। हेलो दिव्या, हेलो। फिर वापस कर साउंड। माइक नहीं आया। कितना प्यारा बना है। आदर्श का बना है। सीधे मोहत हो जी, मस्ती। तो दोस्तों ये हमारे शो में ऑडियंस वी आर टेकिंग अ समवेयर टू ईट, चलो सर ठीक है। गाड़ी है प्लस, गाड़ी अपने पास। कौन सी है, कौन सी? भाई मेरे पास ऑडी है। ओह तू ही चल भाई, तू ही चल से। दोस्तों पिछले 10 मिनट से हम इस मरासी रोड पे गांड मरा रहे हैं भाई, पार्किंग नहीं मिल रही है। काम करता हूँ, ये टैक्सी बुक करते हैं, फिर वहाँ तक कैंसिल कर लेते हैं। दोस्तों ये टैक्सी यहाँ से लेते हुए, यार ये बहुत सही है, यहाँ पे ना इंडियंस और पाकिस्तानी मिलजुल के टैक्सी चलाते हैं। बात नहीं यार। तो ये भाई की रिकमेंडेशन, मोहम्मद इकबाल रेस्टोरेंट। भाई क्या कर रहे हो तुम, अब क्या पाकिस्तानी कुजीन है इसका ये मतलब नहीं बॉर्डर टांग के जाएंगे हम? भाई तारों के अंदर से या तारों के अंदर से सुरंग होगी, कोई सुरंग होगी देख। ये लट बजवाएगा उधर आगे तो बहुत मजा है। अभी हम दोनों एक चेस मैच खेलने वाले हैं, एंड द लूजर हैज टू प्ले। थैंक यू बाय। चेसबोर्ड लेके चलता है भाई, चेस इसका प्यार है भाई। अबे मेरे को वो रूबिक क्यूब लेना है, मस्ते ही रूबिक्स क्यूब ले लो भाई। तुम थोड़ा पैसे वाला लेना ना। हाँ मेरे को आइडिया नहीं है कौन सा क्वालिटी वाला होना। 50-60 रुपए वाला मत ले लेना। नहीं 500 वाला तक आता है अच्छे क्वालिटी का। हाँ, वो मेरे को लेना थोड़ा हैवी लेना, हैवी लेना जो है एकदम स्मूथ रहते हैं वो महंगे वाले, बट मेरे को लेना है, बहुत दिमाग चलता है भाई उससे। इधर GST लगता है। सर बिल ले आएंगे कुछ और भी मंगा लेंगे। हाँ सर मीठे में क्या मिलता है? मीठे में भी दे दीजिए। अरे वाह ये आई रबड़ी भाई, पिछले साल भी बोला था क्या मेरे को रूबिक्स क्यूब लेना है? माँ की आँख। मैं वैसे सही बताऊँ मैं 5 साल से सोच रहा हूँ।
प्लीज यार मिजाज का गाना सुनो, सुनेंगे भाई 21 रुपए का आ रहा है क्यूब यार, वो बेकार रहते हैं, वो बच्चों के लिए होता है कि ऐसा वो फेंकेंगे टूट जाएगा बस, उतने के लिए रहता है। और बच्चे साले तोड़ के उसको बजोड़ के बना के दे देते, कह रहा हो गया पागल बच्चे। नहीं यार मेरे को ऐसा अभी तक किसी को नॉलेज नहीं है क्यूब की जो मेरे को प्रॉपर अरे बोल अमेज़न दे पे के। थोड़ा यार महंगा ले लेना, फिर रिप्लेस कर देना अगर अच्छा नहीं है तो, सिंपल। ऐसे नहीं होता, क्रिस्टल वाला लो मेरे को, बस स्मूथ स्मूथ होना जिससे मैं फास्ट हो जाऊँ करते करते। दिव्या भाई पहचान लिया, मेरे पास तुम्हारा आधार कार्ड है, पासपोर्ट साइज फोटो है, पासपोर्ट भी है अलग से और सब कुछ कल है। परसों इसकी बर्थडे स्ट्रीम थी ना समय की, अच्छा तब इसको लूडो बिल्कुल नहीं पसंद, इसने लिटरली लूडो पे ना ऐसा तक बोल रखा है, मतलब इसको ब्रांडी ला रही थी उसको, तो उसको बोला है लूडो इज फॉर लूडोज, ऐसा मतलब समझ रहे, इसको अगेन एकदम ही एंटी है लूडो के। तो बोला अगर कौन? तू चैलेंज हारेगा समय रहना, हाँ अगर तू चैलेंज हारेगा तो लूडो खिला, बोला चैलेंज डिलीट कर दो लूडो नहीं खेलूंगा, ऐसा है एडिट करो प्ले। तो क्या 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 लूडो खिलवाया चैलेंज हारते ही? बस तुम प्ले करो, तुम प्ले करो, गाली खाओगे आप प्ले नहीं बे, करो। मैं कॉल आ गया था। अच्छा कॉल आ गया था क्या? बीच में कॉल उठाने गई नहीं? हाँ अबे मम्मी का था। फिर उठाएंगे। टाइम तो ठीक है। दोस्तों ये है बुर्ज खलीफा, ऐसा देख। अच्छा उधर है, ये है दोस्तों बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग। उतनी लंबी लग नहीं रही वैसे, भाई इनको बोलना गया है लेकिन ये पूछेंगे कहाँ जा रहे हो। हाँ कुछ तो बोल दे भाई, कुछ कॉन्फिडेंस से बोल। कॉन्फिडेंस से सेंड मारा भाई ने। गुड इवनिंग मेट, हाउ आर यू? खुश हो गया सब, जूता काट रहे तुम्हारा। तो ये आ गए भाई हम बुर्ज खलीफा। दोस्तों हम आए हैं अभी JBR, JBR ये रात के 1:30 बज रहे हैं दोस्तों, और देखो क्या चमक है, चमक तो है। वो कितने खुश हो रहे हैं ना जिसका शो देखने आए थे। हाँ बे उसको शो देखने हैं, साथ में घूम रहे हैं, ठीक है यार। माँ कसम पहली बार जिंदगी जीता है कुछ यार। अबे ये क्या है, इसमें जीत के खुश क्यों हो रहे हैं अलग से? वो लोग गुड शूट ब्रो। ये टेडी वाड़ी कभी नहीं आता भाई, योड़ा है ना ये, योड़ा कैरी में आते हैं। आ गया ये, आ गया बोला ना, ये आ गया। ये लड़की को दे रहे हैं क्या वो? आ गया भाई लड़की के लिए भी। ओहो अरे बहुत चूते रहते हैं भाई, नहीं आते निमो, मैं बहुत बहुत। अबे एक आ गया वो ही बहुत मुश्किल से है वो, अब यही तो लालच में तो मरते हैं। हाँ वैसे भी नीचे 3-4 ही है, नीचे से तो नहीं आने वाला, वो सर सर में फंसा तो ही है। भाई लाइव ऑडियंस ऑडियंस देखने ठहर गई और फंस गया, लास्ट ट्राई में भी आ गया। बुलाना पड़ेगा, बुलाना। अरे अरे पागल है कोई? अरे मस्ती
याद आया देख के क्या बे अबे योड़ा लेके घूम रहे दिन रात में ही मजा है ना बुर्ज खलीफा पर गर्मियों में धूप में कांड निकल जाती है इतनी हीट आती है ना बिल्डिंग्स के बारे में को जाना है भाई मूड्स कर लेता हूं अरे भाई कैसे जाना रहे थे क्या कौन सी मछली है ये करे फिश एक्वेरियम दुबई एक्वेरियम में ना मैं गया हूं इसके अंदर कौन सी है ये शार्क है कोई पता नहीं कुछ तो है हैमरहेड शार्क है वो दे सेइंग वी विल गो स्कूबा डाइविंग विद अ शार्क लाइक दिस स्कूबा तो नहीं स्कूबा कर सकता हूँ कैन आई पे आफ्टर आई कम आउट अलाइव इफ आई पे यू एंड देन आई डाई डू आई गेट द मनी बैक सर यू नीड द हियर कैन आई टच द शार्क नो सर आई होप दैट वोंट गो इन आई हैव शार्क कैन स्मेल ब्लड राइट दिस पूरा सीरियसली बोलता है उसने तो फॉर्म भर लिया मैं यहाँ पे भाई मैं समय रहना इस बात पे यकीन मानता हूँ कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरी गलती है क्योंकि मैं शार्क टैंक में क्यों घुसा हुआ है भाई अगर कल को खबर आई हम शार्क्स ने हमें खा लिया और वो भी हम पैसे लेके गए थे करने के क्या सीखते लगेंगे यार मरने के बाद वो कितने छोटे से नहीं बोल दिया नहीं बोल दिया नहीं बोल रहा यार देख बहुत पाप किया हमने इस लाइफ में दुबई एक्वेरियम के ऊपर चला गया एकदम वहां से ही स्कूबा डाइविंग होती है अभी कैमरा वैमरा शूट होता है स्कूबा का अगर ये शूट कर दिखा दे कुछ क्लिप्स अंदर की मजा आ जाएगा ये चार तीन चार पांच फ्लोर के ऊपर है एक्वेरियम समझ रहे हो चार पांच तो ज्यादा बोल दिया तीन तो होंगे जितना मेरे ख्याल तीन या चार तो होंगे हमारा कोविड टेस्ट है बेसिकली लाइफ का कोविड टेस्ट हाँ। कि अगर हम आज बच गए मतलब ऊपर वाले माफ कर दिया हमको जो भी पाप किया हमने और अगर आज हम मर गए जो कि 95% वही होने वाला है तो उसके बाद तो क्या फर्क पड़ेगा ना मोट भी रहती है ऊपर ऐसे आधा नहीं चाहिए मेरे को बहन जो दो टांग कट जाए मेरी एक हाथ कट जाए मेरा फिर मोटिवेट करो रात को मजा आया पूरा मरे आधा ना मरे देख एक बैकअप प्लान बनाते हैं अगर शार्क आई और हमें समझ गए कि गांड मारने आ रही है तो टांगे ऊपर कर लेंगे हाथ नहीं कटवाने पे कभी मुठ नहीं मार पाएंगे ना यार अच्छा रणवीर आलावादी अप्रूव्स देख मेरा एक हाथ खा के तो उसका भोजन हो जाएगा तो देख नॉन यूजिंग हैंड डालते पहले लेफ्ट हैंड डाल देंगे तो तू लेफ्ट डाल तो उसका पेट भर जाएगा उसमें फिर अपन देख लेंगे बाकी का जिंदगी उल्टा अच्छा ही है स्ट्रगल के आज जाएंगे हां कंटेंट मिलेगा वो सब इसका एक ही हाथ था इसने फिर भी भाई फाइन ईयर नो फ्लाइट नो बुश खलीफा नो रिफंड यू कांट गो टू बुश खलीफा 12 आवर्स बिकॉज़ ऑफ द प्रेशर डिफरेंस एनीवे वी विल बी डेड बाय देन ये भी तंग आ जाते होंगे भाई इतना मोटा नहीं था भाई अरे पतला हो गया बीच में मोटा था नहीं नहीं अभी भी है अरे नहीं बीच में बहुत मोटा हो गया था इसके तो टैटू बैटू है हमें चिलिंग इतना था ये
है इधर का स्कूबा, मतलब हाँ ये फेक है ना। बहुत बढ़िया लगा दुबई, दुबई देखो मैं बोला यार, मैं तो शार्क्स के डर से लग गया अभी, बहुत मजा आया यहां पे यार। उसको एक बार थैंक यू बोल दें क्या? जेलीफिश है ब्लैक व्हाइट कर दिया एकदम एकदम क्रीपी। मेरे को ये सब लगता है भाई, चिप लग चिपलगी भाई क्रेजी तो लग रहा है, सब मिल रहा है भाई यहाँ पे, एक मच्छी भी खा सकते हैं। मच्छी मैं ये मंगाऊंगा, एक मैं मंगा के अबॉर्ड कर दूंगा कि नहीं चाहिए। वही लड़का ऑडी वाला, ऑडी वाला अबे है वो लकी है, लेकिन वो लकी है, लेकिन उसका कांटेक्ट मिल गया ना परमानेंट, जब भी दुबई आएगा ना सब उसको हमेशा बुलाएगा, कंटेंट वाइज भी बुला लेगा वैसे भी। गाड़ी कौन सी तुम पे? ऑडी। तू आ रहा है तू मेरे साथ, मेरे साथ पूरे ट्रिप पे। ये वीआईपी एससी का ऑप्शन यही क्यों आता है? मतलब वीआईपी से अब हम जा रहे हैं जूते खरीदने के लिए, और क्या बढ़िया खाना था भाई, इतना बढ़िया रिच की स्नैपिंग। मैंने तुमको टिप भी दी, मैंने उनको बोला कि बाहर भी कूलर लगा दो यार। अच्छा दोस्तों बड़ा मदद किया बैलेंसियागा, आज क्रेजी क्रेजी जूते खरीदने वाले। लाइक आई लाइक दिस कलरफुल थिंग्स। ओह लुक दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट। जॉर्डन्स यूएस में सस्ते हैं या दुबई में? पता नहीं, मैंने तो खरीदे नहीं, जब पापा लेकर जाते थे तब मेरे को पता नहीं था। जॉर्डन अभी अभी हिट हुए हैं यार। चेंज कलर आफ्टर यूज फॉर अ व्हाइल, इट्स लाइक योर फ्रेंड्स ऑलरेडी। दोस्तों ये फाइनल हो चुका है मेरी तरफ से, तो गुड शूज, ये बहुत ही बढ़िया जूते लग रहे हैं। सब सेम है, मतलब यूएस रेट दुबई में मिल जाते हैं यार। दीदी मेरे को ये भी होना है जॉर्डन, एंड अब आई थिंक मुझे एक डिस्काउंट तो मिल जाना चाहिए इसके बाद में। इन दुबई इट्स लेस, नहीं मिलेगा। 1.1 मिलियन। अबे क्या रे बस रे, दैट्स नाइस बट डज इट रियली ट्रांसलेट इन सम दिरहम्स टुनाइट? थोड़ा तो काम आ गया है, मैं चाहे कि मैं तुम्हारे लिए लिमिटेड एडिशन और दिखाता हूं। इस साइड में दिखा रहे हैं हमको, आगे किसी और को दिखे ना ये लिमिटेड एडिशन गाइस। नॉट येट रिलीज्ड, नॉट येट रिलीज्ड। सस्ते कहीं नहीं है दुबई में, थोड़ा सस्ता है ये तो नॉर्मल है यार। ये अच्छा ब्लू येलो, इफ यू नो द स्निकर्स यू नो द वैल्यू, इफ आई गो इन द आउटसाइड इट इज देयर विल बी फाइट, विल बी फाइट फॉर दिस। या अबे सही में कैसा दिखा रहा है भाई, जैसे कोई ऐसा गन वन बेच रहे पूरा चेंजिंग रूम में दरवाजा वरवाजा ढाल वाल के दिखा रहा है भाई। मुझे क्या लग रहा है मालूम है? मुझे लग रहा है ये वो वाला शो जो बिकी नहीं है जैसे बड़े बड़े शोरूम्स रहते हैं ना, तो इनके क्या है जो वर्कर्स रहते हैं ये इन कॉन्टेक्ट रखते हैं बड़े बड़े क्लाइंट से। हाँ, वो डायरेक्ट जैसे नया स्टॉक आता है ना तो उसको साले स्टॉक में लगाते हैं, उसको छुपा के रख देते हैं कि जब हमारा वाला बंदा आएगा ना तो हमें कमीशन भी मिल जाएगा और बिक भी जाएगा। अबे तो स्टोर्स ऐसे ही चलता है, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो तुम बोल रहे ना कि ऐसे छुपा के रखा है, तुम्हें भी ऐसा हो सकता है। तो इसको लगा ही इज अ पोटेंशियल छोटा दिखा रहा है। अब्दुल वसीम भाई थैंक यू सो मच फॉर 20 रुपीस ऑन Paytm। ब्लू येलो सही थे, ये भी अच्छा।
ये तो क्लासिक है व्हाइट एंड ब्लू. ब्लू सबसे महंगे है जॉर्डन्स मेरे हिसाब से. अरे लेट्स गो भाई, तू भी खुश मैं भी खुश भाई. दोस्तों फाइनली नाइकी से हमने वो लिमिटेड एडिशन वाली है और नाइकी का लिमिटेड एडिशन और भाई ने और एक शूज ले लिए. क्या बेटे मजा आ रहे तुम्हें यार, कॉस्ट दिखा देता यार मजा आ जाते. व्लॉग अच्छा, चिलिंग व्लॉग है, ऐसे व्लॉग अच्छे लगते हैं मुझे. ये तो सभी जा रहा है, जो भी जा रहा है ना उधर. मेरे पे वो रेड वाला है उस पे नाइकी उल्टा बनाएगा. नेक्स्ट डे. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. तो आज मैं जा रहा हूँ एमिरेट्स मॉल वापस. रेड वाला कितने का है? मैं कपड़े खरीदने हैं और एक लिपस्टिक खरीदनी थी. अच्छा अच्छा, घर में बहुत है. मम्मी के लिए लिपस्टिक लेनी है. ठीक है. विवेक के लिए एक झाड़ू. ठीक है. किसके लिए झाड़ू? मम्मी के लिए लिपस्टिक लेनी है. ठीक है. विवेक के लिए एक झाड़ू. ठीक है. पापा के लिए क्या समझ में नहीं आ रहा. ठीक है समझ गया. पापा को ज्यादा कुछ चीजें पसंद नहीं. समझ गया. चाहिए था कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं. ये पता नहीं कुछ भी करता रहता है ये पुनीत सुपरस्टार. तो शायद परफ्यूम ही दे देता हूं, पर परफ्यूम ला के बाप की उम्र में चलेगा क्या यार. ठीक है. ये साला पागल है. इसका पापा देख ले इसको गोली मार दे. उल्टा नहीं सीधा वाला कितने का है यार? लाल वाले. ब्लू मेरे हिसाब से सबसे एक्सपेंसिव है. इधर मेट्रो कार्ड और बस कार्ड सेम है. काफी सॉर्टेड है यार, यहाँ के रास्ते इतने मतलब सॉफ्ट है, मतलब एकदम. मैं फेब एंड में इंडिया आने वाली है यार, मेरा तो बर्थडे भी फेब में है यार. अबे दो चार पांच छह जो कोई लड़का है जो तुम्हारे मजे ले रहा है, मैं तो दुबई में है तो बस है, चाहे लड़का हो यार, मैं तो सामान मंगवाना है. एक खड्डा ही नहीं आता यार. मैच लेटर. तो दोस्तों शॉपिंग हो चुकी है पूरी, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जा रहा हूँ मैं. बहुत शॉपिंग की, थक गया हूँ. एक किलो तो कम हो गया होगा. और अभी जब बैंक बैलेंस देखूंगा इसके बाद तो शायद दो तीन और किलो कम हो जाए शॉप के बाद. खैर कभी कभी तो आते हैं हम बाहर से तो बनता है यार. और ये परफेक्ट टाइमिंग पे राघव भाई आ गए. तो कहाँ आ रहे हो? अरे 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 ये क्या है कि वापस आ गए? बहुत वापस ऑडी वो भाई. दुबई में ऐसे ऑफिस जाते हैं. कह रहा बेंच ऐसे ऑफिस जाते हैं दुबई में. वो भी बोल रहा है बेंच. ओ मेरे को भी इतना सुंदर कैसे भाई? ऑफिस चलो भाई. What's up? Checked into my room. This is the Palace Hotel and it's very beautiful. बढ़िया ब्लॉग है भाई. क्यों लिखा है सर? पता नहीं. And I am here alone actually. And this is what I paid for. ये मेरे रूम के बाहर. ओहो महंगा रूम भाई. महंगा रूम इधर नहीं है क्या इसने? हाँ ये व्यू का रूम है. हाँ महंगा रूम है भाई. ये हर 40 मिनट में बजता रहता है. ये देखो मस्ती, सबको फेक ही बोल दो. वो देखो क्या लिख रही है. नहीं नहीं इंस्टा आईडी दे सकती मैं? नहीं यार वो मस्ती फेक बोल रहा है यार. आई ट्रस्ट एवरीवन. वैसे ऐसा इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है तो नहीं नहीं है ठीक है. अरे नहीं ब्रो वो फेक है. इंस्टा पे कैसे डीएम कर देगा कोई? फेक है ब्रो. ट्रस्ट नहीं फेक है. इमरान हां ठीक है यार भाई, तुम रियल मान लो बट लिख रही है वो. बट आई ट्रस्ट दैट वो फेक है. बाकी तुम देख लो भाई. देखो क्योंकि तुम्हारा मैं चाहता नहीं कि तुम्हें दुख हो ऐसा. मेरे को क्या दुख होना है भाई? मेरी तो ऐसे तुम लोग ऐसा ही सोचते हो. मैं ऐसा पागल जैसे क्या पता नहीं. ओ तुमने चैलेंज कॉल किया था ना एक बार, उस दिन से मुझे तुम पे बहुत तरस आता. क्यों बोलो तो क्यों? सुनो ना उस दिन देखो उस दिन तो ये कमेंट चल रहे थे उधर उस वीडियो के नीचे. देखो व्हाट्सएप देखना. लोगों ने दिल पे ले ली थी. कहा रुझा दे रहा हूं मुदस्सिर भाई. ये देखो ऐसे ऐसे कमेंट तो दर. मतलब ये वाला नहीं क्या था क्या तुमने?
कहाँ पे चल रहे थे? दिखाऊंगा तुम चलो अभी अभी कुछ डिस्कस ही मत करना लौड़े लग जाएंगे। पार्ट अबे एक और पार्ट है क्या दुबई का? अभी इतने 20 मिनट में भी दुबई से निकल गए। अरे सॉरी सॉरी गलत है दोस्तों, गांधी जी दे दिए मैंने। लेट्स गो माय मैन हबीबी, वेलकम टू मुंबई। ये लिया मैंने तन्वी के लिए, हां दुबई में से खरीदा मैंने। दरवाजे बंद, अब लगेगा कोई चारा नहीं। भाई व्लॉग्स तो हो गए खत्म, अभी देख रहे 100 लोग, मेरे को करना है रेड, एक में एक या दो करके मेरे को भागना है। चैनल का नया नाम निमरॉड रिएक्ट्स। ये सुजल वाईटी, तेरे से कोई पूछा क्या ये? हबीबी $200 का क्या जोरेक्स यार? $200 कितने होते हैं यार? मस्ती है 80-16,000 रुपए। नहीं यार इतने महंगे नहीं लेना मेरे को, ये तो चीप है यार निमरॉड तुम्हारे लिए। मुदस्सिर इमाम लिखो YT पे आएगा क्या? भाई ऐसा सब्सक्राइब करो भाई। राजदीप सिंह, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। ऐसा सब लोग सब्सक्राइब करते रहो। कितने हो गए यार सब्सक्राइबर? निमरॉड चीप है सच बात भाई। ओ वो मेरे लिए चीप है ब्रो, मस्ती नोज माई वर्ते सुजल। ये आंडू पांडू लोग छी, पैसा क्या है हाथों का मैल। रिपर भाई ये डायलॉग से बोलने में अच्छा एलविश यादव देखेंगे भाई। फेक फेक बोल के मस्तियों मस्ती लड़कियों को छीन लेता है इंस्टा में। ये मस्ती मस्ती स्ट्रेटजी रिवील्ड। नहीं सैन्युअल राज किधर है? सैन्युअल राज दिख रहा है नहीं हिड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर है। आई स्वेयर फेक नहीं हूँ यार, देती आई ट्रस्ट यार बस। अरे मैं भी ट्रस्ट करता हूँ यार, आई वाज जस्ट किडिंग। आई वाज जस्ट किडिंग। अच्छा मैसेज आ गया क्या? आई नो यू आर रियल। मैसेज आ गया। मस्ती अमन को हमेशा याद करता, देख लो यार मस्ती। तो अमन चौधरी सला जिधर जाता उधर इज्जत की क्या कर? रोमांस नाम के चैट से आ रहे यार लोग। हेलो यार रोमांस, हम सबको अपनी शक्लों पे भरोसा है। सुजल सिंह यार कभी जॉर्डन की स्पेलिंग भी आती क्या सुजल तेरे को? ऐसा नाइकी एयर जॉर्डन पूरा एक साथ बोल सकता बिना फंबल हुए? इतना महंगा शब्द अबे देखने के लिए चश्मे लगाना पड़ेगा बोलो। अबे सुजल के गांव में तो नाइक बोलते होंगे, नाइक नाइक के शूज लेंगे नाइक। क्या सही बोल सुजल? हाँ सही, निमरोड वही चीजें बोल रहे हैं जो निमो भैया वही चीज बोल रहे हैं जो वो पहले खुद करते। ये हेलो बोलो झूठ बोलो तो बताओ। चलो चिट्रेस स्लाइड्स इनटू समवन डीएम। तो टिंडर विंडर पे प्रोफाइल बना दिया मस्ती मजाक कर रहा। ब्रो आई डोंट स्लिप इनटू समबडीज डीएम्स ब्रो, दे स्लिप। हां क्या वाले हल्लो से? अरे कोई करता ही नहीं है डीएम, कहां स्लिप होगा भाई? क्या बात मोटिवेशन डेज। हेलो भाई मोटिवेशन डेज, मोटिवेशन दे दो लोगों को इधर। यार सूजन यार तू पहले ऐसा वीडियो देख क्या, हाउ टू प्रोनाउंस नाइकी एयर जॉर्डन्स इन हिंदी लेटेस्ट 2022, फिर ऐसा सीख के पूरा बीए में पास मैथ इंग्लिश। निमो कभी टिंडर पे गए हो? सच बोलो या झूठ बोलो? नहीं गया भाई, नाम देख ले अपना पहले। मोक्ष भाई मेरा नाम क्या गलत है? भेजू क्या फोटो जॉर्डन्स की? जब मिलेंगे तो पहन के देख लेना मेरे कैसे लगते असली में।
भेजा भेजा ऐसा गूगल से डाउनलोड करके ओरिजिनल जॉर्डन्स पिक्चर ओरिजिनल ऐसा ऐसा ये सब सर्च करके नक्को भेजा भाई जो जॉर्डन्स रखते हैं ना वो ऐसा बोलते हाँ, नहीं फ्लेक्स नहीं करते भाई वो नहीं नहीं करते नहीं वो अबे इसकी फोटो बनियान में है वो शर्ट खरीदने के इसके पास पैसे नहीं है भाई इतनी बेइज्जती मत करो माना बेइज्जती है इसका मतलब ये नहीं है कि गंदी ले लो बेइज्जती घंटा बेइज्जती भाई ऐसे गरीब जो सुपर चैट भी नहीं करते कॉपी भी आते हैं अब तो क्या भाई पहले से आते हैं वो तो आदित्य भाई क्या लिख रहे हैं मोटिवेशन चाहिए किसको मोटिवेशन चाहिए कोने में आ जाओ आदित्य कुमार वाईटी कोने में कौन सी मोटिवेशन होती भाई निमो को चाहिए दे दो लगता है निमरोड पहले गूगल से फोटो उठा के चिपकाता था नहीं भाई मैं ऐसे सस्ते शूज पहनता हूँ निमरोड वो लिखता है आज भी YouTube पे किलर बॉय एटीट्यूड स्टेटस इसके WhatsApp पे इतने गंदे रोतड़ू स्टेटस लगाते हैं अबे आज तक WhatsApp स्टेटस नहीं लगाया मैं टिल डेट WhatsApp स्टेटस का अपडेट आने के बाद से आज तक एक भी WhatsApp स्टेटस नहीं है मेरा नहीं यार एक शायद डाला था वो हैप्पी दिवाली का परसों ही शायद वो भी कन्फर्म नहीं हुआ नहीं डाला वे नहीं डाला यस नहीं डाला और मैं WhatsApp स्टेटस देखता भी नहीं बाय द वे बहुत कम बहुत रेयर है भाई निमो लिटरली ऐसे ऐसी चीजें सर्च करता है ब्रेकअप कोट्स बॉयज ऐसे वाले सुपर किलर एटीट्यूड स्टेटस किलर स्टेटस सील मेरे को तो ये सब आइडिया भी नहीं था ऐसा स्टेटस सर्च भी कर सकते हैं भाई मस्ती करता था इसलिए आइडिया तुमने ही बोला था मेरे को कि भाई कोई ऐसी कोई अभी एक न्यू साइट मिली है भाई तुम इधर से कोट्स उठाया करो ऐसा ऐसा चेक इंस्टा भाई मस्ती ट्रिक वर्ल्ड पहले मेरा ये डीएम देखो पहले मेरा डीएम देखना बाद में उधर देखो कौन सा कहां बैठी है ना व्हाट्सएप देखो आप देख लेना भाई जिसका उसको देखना यार मैं क्या क्या देख रहा हूँ बेढंगी दुनिया बेढंगी दुनिया देखा एक सेकंड वो पटाखे वटाखे फोड़ रहे अभी तक मेरे को लगा तुम उनको पटाखे हाँ सर मस्ती लगाता है स्टेटस उसकी यस ब्रो यस मस्ती ने उसके लोग प्रूफ देने पर आएंगे क्या मस्ती ने उकसाया लोग प्रूफ देने पे आ गए भाई तो फेक ही रहेगी नहीं मैं देख लेना न्यू आईडी बनी मेरे को तो मैसेज नहीं आया भाई मस्ती तुमको ही आया नहीं नहीं भाई हमको भी नहीं आता हाय हैप्पी दिवाली लिख के नहीं फोटो भेजता है तू अच्छा, किसको किया डीएम तुम्हें किया मेरे को किया नहीं मेरे को नहीं आया हैप्पी दिवाली फोटो यार अब मैं अंकल हो गया भाई मेरी इतनी उम्र हो गई मेरे को ऐसा गुड मॉर्निंग चाय के कप ऐसे मैसेज आते हैं अभी थोड़े सालों बाद मैं भी भेजने लगूंगा गुड मॉर्निंग फूल वूल के साथ ऐसा चाय का कप मेरे को तो पुराने ही मैसेज पड़े हैं फिर गुड नाइट गुड नाइट पे ऐसा कोट हो एकदम मोटिवेशन वाला एकदम अंकल अंकल सा हो गया भाई मैं मस्ती को एक मिनट में चार लड़कियों के मैसेज आते हैं दैट्स ट्रुथ ज़ोरैक्स उन रिवर्स थोड़ी मेहनत करके थंबनेल बना लो मेरे थंबनेल से क्या परेशानी है तुम लोगों को नीमो अंकल गुड इवनिंग भाई अब सच में है तुम दोनों के डीएम स्लाइड करवाने के यार मैं नहीं चीप ट्रिक्स यूज करता मस्ती यूज करा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नहीं 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 हम तो चीप ही ठीक है भाई ट्रिक ब्रो उसमें तीन घंटे हो गए मस्ती एक बार किधर मशीन कर रहे हो सकते हैं नीमो मुझे नीमो भाई मुझे मस्ती आपकी सुपारी देते हैं भाई मस्ती ऐसा क्यों भाई जी लें दो भाई कुछ चंद चंद टाइम का जीवन भाई है भाई आपको आपको प्रैंक करवाऊंगा एक दिन मुझे से भाई गाड़ी पे उठा ले जाएंगे
फिर तुम मैं वैसे किडनैप हो रखा हूँ मैं वैसे अरे माँ का तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं हो रखा वो बताओ नहीं, नहीं मस्ती कर रहा किडनैप करके मैं पापा को फोन करेंगे वो भी बोलेंगे रखो लो भाई बेकार अरे वो देखो तो नहीं वो जो देख के तो होगा लो मेरा डीएम नहीं देख रहे हो तुम पागल मुझे मस्ती की देखा दो मस्ती की आवाज सुन के कुछ पुराने लोग याद आ जाते हैं अच्छा मस्ती को मोटिवेशन चाहिए सबको ही चाहिए यार जे का क्या फायदा नीमो जब लाइफ में जीएफ नहीं है तो कौन सा फायदा हो गया मेरा कुछ भी हाईटेक सिटी आओ कभी मैं अभी आ रहा हूँ भाई अभी आ रहा हूँ पवन कुमार स्पैम न करो अभी जस्ट घर के निकल के आ रहा हूँ कल भी यही हुआ था ना भाई मस्ती सुजल सुजल तेरे जॉर्डन्स की फोटो भेजा मस्ती अरे भाई क्या भाई सुजल ऐसे ऐसे फोटो मस्ती का फेस रिवील करो आप यार मस्ती जल्दी करो बट ठीक है मस्ती खुद कर लेंगे तुम्हें तुम्हारे पास है मेरी फोटो भेजो तुम्हें भेजो लेटेस्ट वाली नहीं एकदम लेटेस्ट तो नहीं है मेरी शायद एक महीने पुरानी होगी तो उसी को लेटेस्ट बोलते हैं मैं तो सालों पुराने शायद देखा हूँ नीमो भाई आई गेस सॉन्ग बजाओ आई गेस यार आई गेस करेंगे भाई जीएफ सब कुछ डालती है क्या आप कहाँ पे मुझे भी भेजो तुरंत भाई सुजल पहले तेरी ऐसा वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज नाइकी एयर जॉर्डन्स ऐसा पूरा कोड वर्ड है तुम्हारा कोड वर्ड नहीं अभी तक वो ट्रेनिंग ले रहा है यूट्यूब पे नाइकी एयर जॉर्डन्स इन हिंदी अच्छा अभी और लो भाई सा रिपीट करके सुन रहा है अभी तक वो प्रैक्टिस करेगा पहले वो कॉलेज के दोस्त को भेज के सुनाएगा ये सही बोल रहा हूँ क्या मेरी बेइज्जती हो रही थी मैं तो खींच सकता है एकदम मस्ती का भी फैमिली पैक है इसलिए रिवील नहीं कर रहा बाय द वे यार एक सही बात बताओ तो जिसका भी फैमिली पैक है ना उसको सिक्स पैक आने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एकदम पसीना निकल जाता हर जगह से पानी निकल जाता मान बहुत ज्यादा मेहनत लगती भाई क्योंकि मैं पतले से जो मोटा हुआ मेरा बहुत ईजीली मैं मोटा हो गया पतले से बट मैं अभी जो मोटा हो गया वो मोटे से पतला नहीं हो सक रहा भाई नहीं हो सक रहा बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लग जा रही यार 500 लाइक भी नहीं हुए यार क्या हो गया अबे ये क्या सीन है देखो 500 लाइक भी नहीं हुए यार लाइक करो जल्दी जल्दी तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे फैमिली और सिक्स में क्या डिफरेंस अबे मेरा स्पीकर खुल जाएगा अरे तो फास्ट एज फक है हाँ तो खोल के देखो ना अबे रिएक्शन वीडियोस बेबी फास्ट एज फक बॉय आज तुम्हारे टाइटल में नाम था ना इसलिए ऐसा ऐसा कुछ नहीं है समीर गेमिंग तो एलजीबीटी की भेजो ना फोटो गेम स्टार्ट कब अभी तो मेरे जाने का टाइम आ गया अभी कौन सा गेम चलो नीमो मेरे को थोड़ी मीटिंग अटेंड करके आनी है ठीक है हाँ, सच्ची समझ में गया मीटिंग फोटो तो भेजो ए भाई कितना तेज भाग गया कुछ भागा भागा नहीं है ए मस्ती हमें भी दिखाओ बेबी कौन सा बेबी दिखाना है मस्ती की फोटो भेज नहीं भेजा वो आपको तेलुगु आता है मैं यार अभी हाईटेक सिटी जा रहा हूँ यार पवन भाई से मिलने सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहा हूँ पवन भाई मैं हाईटेक सिटी यार मेरा तो फेस रिवील हो गया यार कौन कौन मेरा फेस देखे भाई दूज के दिन तो चार चीजों में से नहीं यार ऐसा नहीं है बंजारा हिल्स आओ भाई मुदस्सिर भाई बंजारा हिल्स आएंगे मैं आया था वैसे थोड़ा कल आया था
हैदराबाद में रहते, तेलुगु आता भाई मैं पागल हो जाता हूँ तेलुगु, क्योंकि सब सब तेलुगु आना जरूरी है हैदराबाद में। ठीक है, नहीं आता मैं पागल हो जाता हूँ उसके वजह से। 500 लाइक कर दो जल्दी जल्दी। विष्णु का दूसरा कुर्ता रिवील करेंगे करेंगे भाई करेंगे। चलो यार, जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ स्ट्रीम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज बहुत टाइम बाद मैं ऐसे लाइव आ गया। देखो मैं सही बताऊँ तो कुछ और सोच के मैं लाइव आया था, बट मेरा कुछ भी नहीं चल रहा था आज। 5M मेरा अभी भी नहीं चल रहा। मैं आरपी सोच के मैं लाइव आया था, फिर सोचा आरपी नहीं तो कुछ और खेल लेंगे, बट मेरा कुछ और भी एक सिंगल गेम मेरा आज नहीं चल रहा, तो एफ हो गया था मेरे साथ आज। एंड आई एम रनिंग टू लेट, बहुत मेरे को लेट हो गई। जितने भी लोग हैं देख रहे, एक बार पाय डाल देना चैट में। इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कर लो, निमरॉड अंडरस्कोर IG, ये है मेरा इंस्टाग्राम, ये यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का। जाके इंस्टाग्राम फॉलो करो, मैं मैसेज पिन कर दे रहा हूँ। किसी को कबाड़ में बेच दो यार, एक ही तो मेरे पास चीज़ है। एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव एक चीज़ नहीं है, बट यार पीसी यार, मैं 1 साल गेमिंग के से ब्रेक लिया था, तब भी मैं ये टेबल से एक चीज को भी हाथ नहीं लगाने दिया था। कभी मेरे मन में नहीं आया था कि मैं पीसी बेच दूँ। नहीं, मैं ऐसा शायद अगर मैं छोड़ भी देता गेमिंग टोटली भी, तो भी मेरे मन में नहीं था कि मैं पीसी बेच दूँ। एक ही चीज है, इमोशन है भाई, ये इमोशन। एक एक चीज मैं एक एक पैसा हार्डवर्क करके कमा के बनाया। एक्सपेंसिव तो आईफोन का है ब्रो, ये टेबल मेरी पूरी टेबल मिला के 3 लाख ऐसा कुछ है ब्रो, ये ज्यादा एक्सपेंसिव है। सब मॉनिटर सीपीयू कैमरा सब कुछ इंक्लूड कर लो, अगर 3 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, आई डोंट नो। भाई कैसे हो हैकर? आई एम गुड एंड आई एम लीविंग नाउ, दिस इज माई फाइनल बाय। सब लोग आ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव भी आने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पे सारे मैसेजेस मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। गुड बाय रीपर, गुड बाय ड्रैकन, गुड बाय मोक्स, गुड बाय जरेक्स। इंस्टा पे फॉलो बैक मांगता है। गुड बाय गुड बाय गुड बाय एवरीवन। प्रथम पटेल गुड बाय। अच्छा जी, मस्ती जोन हल्लू से कट ली है ब्रो, हल्लू से सही टाइम देख के। बाय बाय भाई, गुड बाय मोक्स, गुड बाय गुड बाय। हैव अ ग्रेट नाइट, यू टू यू टू। ऐसे अभी मेरे को बाहर जाना है, सही बताओ तो। चलो गुड बाय एवरीवन, आई लीव मुदस्सिर भाई, गुड बाय रीपर, गुड बाय पाइथन, गुड बाय एवरीवन, आई एम लिविंग नाउ, बाय बाय।